हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाड़ियर है और आज के इस एसएमसी सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम लर्न करेंगे कि लिक्विडिटीज क्या होती हैं और लिक्विडिटीज के कितने टाइप्स हैं और हम किस तरीके से लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी लर्न करेंगे कि बॉस एंड चौक के बाद हमें करना क्या होता है। एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होता कि बॉस के बाद क्या करना होता है या चौक के बाद किस तरीके से एंट्री प्लान करना होता है। तो सारे के सारे टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई न्यू पर्सन इस चैनल पर डायरेक्ट 5 लेक्चर पर आया हुआ है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले के वो 1 to 4 लेक्चर जो है वो देख लें और उसके बाद ये 5th लेक्चर पर आए तो वो और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। राइट, नाउ हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटीज के अंदर टोटल 2 पॉइंट होते हैं। पहला है एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड सेकेंड जो है हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। राइट, और डायरेक्टली हम लिक्विडिटीज पर जाने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअल में लिक्विडिटी होता क्या है। जब भी मार्केट में अगर प्राइस अप या डाउन जाता है, लाइक अभी ये जो निफ्टी क्लोज है 20,255 के अराउंड, ठीक है, अब यहाँ से ये 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, मीन्स 256 पे जाएगा या 257 पे जाएगा या डाउन आएगा 254 पे या 253 पे, तो लिक्विडिटी की वजह से आएगा। अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो मार्केट अप या डाउन मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है देन मार्केट स्टॉप हो जाएगा। राइट, तो लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है। अगर जितना आप बाइक में फ्यूल डालोगे उतना बाइक चलेगा, सेम उसी तरीके से अगर मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होगी उतना मार्केट मोमेंटम देगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है मार्केट के लिए एक फ्यूल है, इसे आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अगर आपको मार्केट के अंदर बढ़िया तरीके से अपने पैर को जमाए रखना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी होती क्या है और बिग प्लेयर्स इस लिक्विडिटी को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और किस तरीके से अपने ऑर्डर को फिल करते हैं। राइट, तो नाउ हम लिक्विडिटी के पहले पार्ट पे जाते हैं जो कि है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। राइट, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो देन सेशंस की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वो एक अलग फंडा है जो हम ICT सीरीज में आएंगे तब हम उसको लर्न करेंगे। राइट, फिलहाल अभी SMC सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, उसके बाद 6 लेक्चर और फिर SMC सीरीज कंप्लीट करके हम ICT सीरीज जो एडवांस वाली SMC है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी में 2 पार्ट लर्न करेंगे, प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी एंड सेकंड जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की लिक्विडिटी। राइट, तो पहला जो पार्ट है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये दोनों की लिक्विडिटी को हम लर्न करते हैं। हमारे सामने मान लो आज 2 दिसंबर है। राइट, तो हमारे सामने ये 1 दिसंबर का एक कैंडल है। राइट, मतलब कल मार्केट 1 दिसंबर में कुछ इस तरीके से मोमेंटम दिया, अप डाउन एंड क्लोज किया इधर जाके। ठीक है, इस जगह जाके मतलब हाई तक गया था और बॉडी जाके क्लोज दी यहाँ तक, ये जस्ट वीक बनाई। राइट, तो यहाँ पर जाके 1 दिसंबर की कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब नाउ 2 दिसंबर जो है, आज मार्केट ओपन हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, फिर प्राइस क्या करता है, ये 1 दिसंबर की जो कैंडल थी उसका हाई यहाँ पर है। राइट, तो उसके हाई को ये कलेक्ट कर रहा है इस तरीके से, यहाँ तक गया और अभी स्टिल मार्केट चल ही रहा है। राइट, एंड इस तरीके से प्राइस डाउन आके वीक बना देता है। नाउ क्या हुआ कि प्रीवियस डे का जो हाई है उसकी लिक्विडिटी क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। राइट, एंड प्रीवियस डे के लो पे भी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो प्रीवियस डे के हाई की जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट हुई अब प्राइस जो है डाउन इधर तक जाएगा या नीचे के जो कोई भी POIs डन होने बाकी हैं उसको डन करेगा। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है कुछ इस तरीके से देन प्राइस नीचे के POI को ही डन करने जाएगा, और अगर मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एक्चुअली लोग यहाँ तक टारगेट रखते हैं बट उन्हें ट्रेंड नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर मान लो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस क्या करेगा, ये लिक्विडिटी कलेक्ट करके ये लो तक जाएगा। राइट, तो डाउन ट्रेंड में है देन लो तक, ठीक है, बट अगर ट्रेंड अप है देन नीचे का जो लास्ट POI है वहां तक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, अगर नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये 1 दिसंबर की कैंडल है। राइट, 1 दिसंबर की कैंडल ये जो है 1 दिसंबर की कैंडल है, मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब हमें ये माइंड में रखना है कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये 2 जगहों पर लिक्विडिटी रहती है, इतना माइंड में रखना। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, इस पर बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। राइट, अब नाउ 2 दिसंबर को क्या हो रहा है, प्राइस एक फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। ठीक है, और प्राइस क्या कर रहा है, 1 दिसंबर का जो हाई है उसके ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आता है। अब जब ऊपर जाने के बाद तुरंत नीचे आता है तो प्राइस क्या करता है, एक वीक बनाता है ना, इस तरीके से। अब इस तरीके से एक वीक इसने यहां पे बनाई है। राइट, और इस वीक ने क्या किया है, यहां पर जितने भी लिक्विडिटीज थे, जितने भी स्टॉप लॉस थे, सारे के सारे कलेक्ट कर लिए और प्राइस जो है डाउन की तरफ जा रहा। और डाउन की तरफ का अगर मान लो ये ट्रेंड अप है तो यहीं तक का टारगेट रहेगा जो लास्ट POI है इधर तक, और अगर ट्रेंड डाउन है देन डाउन तक जाएगा। ठीक है, ये लो लिक्विडिटी रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो।
सेम चीज अगर लो को भी कलेक्ट करता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ सको। फिर हम इसको जो है चार्ट में समझेंगे, राइट, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, ये हमारा 1 दिसंबर का कैंडल है, राइट, और 1 दिसंबर के हाई पे भी लिक्विडिटी है एंड 1 दिसंबर के लो पे भी लिक्विडिटी है, राइट। और प्राइस जो है एक इस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग देता है, ट्रेंड अप है, राइट, इसे याद रखना, ट्रेंड जो है एक अप ट्रेंड है ना, तो ट्रेंड अप है और इस तरीके से क्लोजिंग हुई है, बट सडनली होता यह है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस तरीके से, यहाँ पर एक कहीं ओपनिंग दे देता है डायरेक्ट, क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी, राइट, इसे माइंड में रखना, क्लोजिंग जो है इस जगह पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, और ओपनिंग एक गैप डाउन देता है, राइट, मैं इस कैंडल को थोड़ा रेड कर देता हूँ, एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस डे के लो को टारगेट कर रहा है, डाउन तक गया, ठीक है, और थोड़ा और नीचे जाता है, राइट, एंड क्या कर रहा है, इधर के सारे लोगों की लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, राइट, एंड प्राइस जो है जब ऊपर जाएगा तो एक विक बना देगा, क्योंकि डाउन जाने के बाद बॉडी तो ऊपर आ गई, राइट, और स्टिल कैंडल चल रही है, अभी डे क्लोज नहीं हुआ है, ग्रैब हो गई लिक्विडिटी, राइट। अब नाउ प्राइस क्या करेगा, ये जो रेड बनी थी कैंडल ग्रीन में हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद यहां तक गया, रेड बन गई, राइट। अब जहां पर ओपनिंग हुई उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक है, और ट्रेंड अप है तो इस केस में टारगेट रहेगा आपका ये हाई, ठीक है, बट अगर ट्रेंड डाउन रहता, मान लो ये जो ट्रेंड है ये कुछ इस तरीके से रहता डाउन, इस तरीके से ट्रेंड डाउन रहता, राइट, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपनिंग दी, देन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके आधे तक ही जाता, या यहाँ पर जो कोई ये कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जो कोई पीओआई थे 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक या जो टैप होना बाकी था प्राइस इसको टैप करता और गिरता, राइट। तो आई होप आप ये चीजों को समझ पाए हो, ट्रेंड आपको देखना है कि ट्रेंड आपका किस तरीके से, अगर ट्रेंड अप में है मीन्स ट्रेंड अप है, राइट, और अप ट्रेंड में प्रीवियस डे की लो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है तो प्रीवियस डे के हाई कैंडल तक टारगेट रहेगा, राइट, और अगर ट्रेंड जो है डाउन है, ट्रेंड डाउन है, राइट, इस तरीके से ट्रेंड डाउन है और प्रीवियस डे के कैंडल का जो लो ग्रैब हो रहा है, देन अप सिर्फ इतना ही जाएगा जहां पे ऑर्डर टैप होना बाकी है, ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है या एफजी टैप होना बाकी है, और प्राइस वहां से फिर वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। अप ट्रेंड में अगर लो ग्रैब हो रहा है देन हाई का पूरा टारगेट है, बट अब डाउन ट्रेंड में लो ग्रैब हो रहा है देन प्राइस जो है हाई तक टारगेट नहीं रहेगा, यहाँ के जो कोई पीओआई बाकी रहेगा, अगर पीओआई नहीं है तभी इसको ग्रैब करेगा, लेकिन अगर पीओआई है देन पीओआई को टैप करके प्राइस अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा, राइट। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में प्रीवियस डे के हाई एंड प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी में लो पे बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, राइट, और प्राइस जो है प्रीवियस डे के हाई एंड प्रीवियस डे के लो को ग्रैब करता है एंड प्राइस जो है फिर अपने डायरेक्शन को पकड़ता है। अगर वो अप ट्रेंड है देन प्रीवियस डे के लोगों को ग्रैब करके अपसाइड में जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड है देन प्रीवियस डे के लोगों को अगर ग्रैब भी कर रहा है तो ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। और अगर मान लो प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है, ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड है देन लो तक पूरा टारगेट है, लेकिन अप ट्रेंड है और प्रीवियस डे का हाई ग्रैब हो रहा है तो नीचे जस्ट इतना ही जाएगा और वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें ट्रेंड पे डिपेंड रहती है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है, राइट। आप इसमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो गए होंगे, बट जब आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, आप इसे बेहतर तरीके से इस तरीके से समझोगे, एक ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आप जा रहा है, राइट, और प्राइस जो है यहाँ तक गया, मीन्स एक अप ट्रेंड में इस तरीके से कैंडल है, राइट, जो क्लोज हुई, और ये जो कैंडल है 1 दिसंबर की है, राइट, ये जो कैंडल है 1 दिसंबर की यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, इस जगह पे जाके टॉप पे क्लोज हुई है। अब 2 दिसंबर को क्या है कि अप ट्रेंड ही है बट फ्लैट ओपनिंग हो गई है ना, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अपसाइड जा रहा है और इसको ग्रैब कर रहा है, प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी को जो है ग्रैब कर लेगा, और ग्रैब करने के बाद प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, और नीचे आते ही क्या होगा, यहाँ पे विक बनेगा, राइट, एंड विक बनते ही ये जो कैंडल है रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग के बिलो जाती है देन कैंडल रेड हो जाती है, राइट। नाउ आप क्या बोलोगे कि ग्वाडियर भाई ने बोला था कि प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो लो तक टारगेट है, बट अब ट्रेंड देखो, ट्रेंड कौन सा है, अप है, राइट, तो इसको ऊपर ही जाना है, तो ये नीचे तक यहां तक टारगेट नहीं करेगा, तो कहां तक टारगेट करेगा, इस कैंडल के अंदर, ये वाली कैंडल के अंदर,
जो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे मींस ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो POI होगा प्राइस उसको टैप करेगा एंड फिर प्राइस अपसाइड जाएगा या यहाँ पर क्लोज कर देगा एंड सेकेंड डे जो है एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाएगी और फिर अगेन ये ट्रेंड अपसाइड करता रहेगा, राइट। बट अगर ये ट्रेंड डाउन होता अप की जगह, मान लो अप की जगह ये जो ट्रेंड है ये अब था, ठीक है, तो अपसाइड ही जाना था तो लो तक टारगेट नहीं था, बट मान लो ये जो ट्रेंड है डाउन होता कुछ इस तरीके से और इस तरीके से क्लोज हुआ होता, तो प्राइस क्या करता, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और नीचे के POI को नहीं, राइट, क्योंकि नीचे के POI को तभी ध्यान देना होता है जब ट्रेंड अप होता है, राइट, और नीचे से बाय करना रहता है, बट अब इस डाउन ट्रेंड है तो ऊपर के POI से सेल करना रह रहा है, राइट, तो ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब की तो टारगेट जो है इस लो तक जाएगा, ठीक है। तो सारा खेल जो है ट्रेंड का है, अगर आपको ट्रेंड पता हो कि अप है देन प्राइस जो है उस तरीके से बिहेव करेगा, राइट, लेकिन अगर प्राइस आपके ट्रेंड के अगेंस्ट है तो आपको छोटे टारगेट ही मिलेंगे, राइट। तो आपको ये मत देखना है कि भाई आप प्रीवियस डे का लो ग्रैब हो चुका है तो हाई तक टारगेट है, नहीं, ट्रेंड कौन सा, ट्रेंड जो रहेगा उस तरीके से टारगेट रहेंगे। अभी इसके अंदर डाउन ट्रेंड था तो लो तक पूरा टारगेट मिला, लेकिन अगर यही ट्रेंड अप होता और हाई ग्रैब होता, अप होता और हाई ग्रैब होता तो सिर्फ यहीं तक जाता और प्राइस फिर ऊपर चला जाता क्योंकि ट्रेंड अप है, तो ये जो है सिर्फ नीचे के POI को टैप करने आया हुआ है और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर ये लो ग्रैब करता, प्राइस इस तरीके से एक ओपनिंग दी, राइट, अभी हाई को कैंसिल कर रहा क्योंकि हाई वाला मैंने आपको समझा दिया, ये एक मार्केट ने ओपनिंग दी, राइट, ठीक है, इस जगह पर प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, मान लो इस जगह पे क्लोजिंग दी है, अब ट्रेंड चल रहा है, राइट, और एक गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे दे दिया या यहाँ मिड में गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, प्राइस क्या कर रहा है, डाउन आ रहा है, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करने के बाद प्राइस जो है इधर तक आया, राइट, फिर प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड चला जाता और ये जो कैंडल है ग्रीन बन जाती है, और इस केस में आपका टारगेट रहेगा ये हाई, क्योंकि ट्रेंड अप है तो हाई वाला टारगेट रहेगा, आपको नीचे से सिर्फ बाय करने के लिए ट्रेड प्लान करना था और नीचे से आपको ये लिक्विडिटी के वजह से यहाँ पे बाय का ट्रेड मिलता है, राइट, एंड आप हाई तक टारगेट रख पाते हो, आपका ट्रेंड पता है इसलिए, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेंड डाउन है, मान लो ये वाला जो ट्रेंड है डाउन है और यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है और प्राइस एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसको ग्रैब कर रहा है तो ऊपर कहाँ जाएगा पता है, ऊपर हाई तक नहीं जाएगा, ऊपर सिर्फ जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे इस वाली कैंडल पे कोई 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक या FAG होगा उसको टैप करने और प्राइस उसको टैप करने के बाद प्राइस रिटर्न नीचे की तरफ और डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू करता जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ट्रेंड समझ में आ गया, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी समझ में आ गया। नाउ जो है हम इसको चार्ट में अप्लाई करते हैं कि चार्ट में हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करना, राइट, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ों को मैं अगेन कह रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ इसे रिपीट कर लेना क्योंकि सारी चीज़ें लिक्विडिटी पर बेस है। अगर लिक्विडिटी आपको समझ में नहीं आ रहा है देन ऑर्डर ब्लॉक FAG आपके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। लिक्विडिटी आपको माइंड में रखना है, फिर आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। नाउ हम चार्ट पर मूव करते हैं एंड प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हम समझते हैं, ठीक है। नाउ हम निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पर हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट जो है अप ट्रेंड में है, राइट, 1 डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट जो है अप ट्रेंड में है और अभी मार्केट यहाँ पर जाके क्लोज हुआ है, राइट, तो ज़्यादा दूर का नहीं ले रहे हैं हम सिर्फ 4-5 दिन पहले का ही देख रहे हैं कि 4-5 दिन पहले मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया था, राइट। मैं कोई पिछले 15-20 दिनों का आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अभी का ही दिखा रहा हूँ, राइट, लेटेस्ट जो हमारे सामने ये सिचुएशन हुई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने पहले देखा कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड है हमारा अप, राइट, तो अब हम अगर यहाँ पर देखें तो ये वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, राइट, अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके से, ये वाली जो ब्लैक कैंडल है, ब्लैक कैंडल का लो ये था, मीन्स वही जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, राइट, तो 1 दिसंबर का लो ये, राइट, एक्चुअली ये जो कैंडल है 23 नवंबर है, बट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ जैसे मैंने उसमें बताया था जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो 1 दिसंबर की कैंडल का लो ये और 2 दिसंबर, राइट, इसका कैंडल का लो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा, राइट। तो इसी पार्ट के अंदर ये वाला जो मार्क है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 1 दिसंबर का लो है एंड
ये वाला जो पार्ट है वो लो को ग्रैप कर रहा है, और लो को ग्रैप कितना वाला कितने तक कर रहा है, ये पूरा पार्ट लो को ग्रैप कर रहा, राइट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं 5 मिनट पे, ये रहा वो पार्ट, ठीक। नाउ इस जगह पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, इस जगह पर आप नोटिस करोगे ये वाला जो लाइन मैंने मार्क की थी, राइट, दो मिनट, ये वाली जो लाइन मैंने मार्क की थी, ये हमारा जो पहली कैंडल थी उसका लो था, ठीक है। और उसका लो अगर हम मैं आपको बताऊं, 23 नवंबर का कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज हो रहा है, राइट, 3:25 की ये कैंडल है और ये 9:15 की, ठीक है, ये लास्ट कैंडल है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गया और इस पूरे दिन का लो यहाँ तक था, इस जगह तक लो था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे यहाँ पर ओपनिंग हो रही है और प्राइस डाउन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, और डाउन कहाँ जा रहा है, इस लो को ग्रैब करना, प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब करना, राइट, प्राइस आया नीचे, अपसाइड चला गया ग्रैब करके, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन आता है कि नीलेश भाई एंट्री कहाँ पर करें। नो डाउट हमने देख लिया कि भाई पिछले कैंडल की लो यहाँ पे थी, इस जगह पे लो था, और एक नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है, डाउन आ रहा है, फिर ऊपर जाके नीचे ग्रैब कर रहा है, ठीक है, बट हम एंट्री कैसे प्लान करें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई एफपीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक उस तरीके से नहीं है, बट अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 मिनट में, ठीक है, और उसी पार्ट पर वापस आते हैं। नाउ आप देखो वही लो वाला पार्ट है, ठीक है, और ये जोन और छोटा हो गया क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, राइट। नाउ इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसके अंदर हमें दिख रहा है पहला पार्ट, ये जो स्विंग है, राइट, ये जो स्विंग है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ओके, ये पहला स्विंग है, राइट, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ठीक है। अब एक्चुअली हमने स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या लर्न किया था कि लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग होता है वो आईडीएम होता है। नाउ इसके अंदर कुछ ट्विस्ट है वो समझो, जब भी प्रीवियस डे के हाई एंड लो की लिक्विडिटी ग्रैप करती है या हम एंट्री प्लान करते हैं, लाइक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई जो पार्ट में आ जाता है, राइट, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मिड में आ जाता है और हमें वहां से रिवर्सल प्लान करना होता है, तो पहला जो स्विंग रहता है, अभी हायर टाइम फ्रेम का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करूंगा कि हायर टाइम फ्रेम वर्सेस लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, राइट, बट अभी फिलहाल प्रीवियस डे के हाई एंड लो की लिक्विडिटी को समझो। जब भी मार्केट प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को ग्रैप कर देता है, ये प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को ग्रैप किया, राइट, उस केस में पहला जो स्विंग रहेगा, पहला जो स्विंग रहेगा वो आईडीएम की जगह हम लेंगे चौक। अगेन मैं बोल रहा हूँ, पहला जो लेफ्ट साइड का स्विंग रहेगा, राइट, इस पूरे केस में लेफ्ट साइड का स्विंग यही है, आपको पता है आईडीएम वाला पार्ट, राइट, तो ये आईडीएम है, तो आईडीएम नहीं लेना है, इसको बोलना है चौक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चौक। अब आप बोलोगे नीलेश भाई चौक क्यों ले रहा हूँ, देखो अगर हम इसे आईडीएम लेते हैं, आईडीएम लेते तो हम ऊपर से सेल करते, राइट, इस तरीके से, और इस तरीके से एंट्री बनाते डाउन की तरफ, बट अगर हम चौक ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, नाउ हमें नीचे से बाय करना है, ठीक है। हम पहले अपने आप को ये समझा रहे हैं कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है, एक्चुअल में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट मार्केट ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी से वर्क नहीं करता, मार्केट वर्क करता है लिक्विडिटी पर, बिग प्लेयर्स को चाहिए लिक्विडिटी। मान लो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बन जाए और बिग प्लेयर के ऑर्डर ही फिल ना हो तो फिर क्या काम किया ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, राइट। तो उसी के वजह से अब हमें डायरेक्शन अपसाइड में जाना है, बट हमारे स्ट्रक्चर में अपनी डाउन साइड में बता रहा, तो उस केस में क्या होता है कि जब हम एंट्री बनाते हैं तो लेफ्ट साइड का पहला जो स्विंग है उसे हम बोलते हैं चौक, जिससे क्या होता है कि अब हम जो नीचे से अपसाइड में बनाने वाले थे वो डायरेक्शन हमारा अपसाइड में हमने कर दिया। उसके बाद नीचे हम पीओआई ढूंढते कि नीचे कहां पर पीओआई है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे ये एक आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है पूरा का पूरा, राइट, और इसके ऊपर छोटा सा अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, ठीक है, तो ये एक एफपीजी है, राइट, एक छोटा एफपीजी, ठीक है, एंड ये आपका छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब प्राइस जो है टॉप को लेके डाउन आ रहा है, डाउन आने के बाद हमारे एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। अब नाउ यहां से एक एंट्री बनेगी और ये जो था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के बिलो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट जो है प्रीवियस डे की लो लिक्विडिटी ग्रैब की है तो प्रीवियस डे का हाई टारगेट रहेगा, राइट। तो हाई अगर हम बताएं लिक्विडिटी का टारगेट कहाँ रहेगा, देन ये वाला पार्ट, यहाँ पे इक्वल हाई भी है, ठीक है, और इक्वल हाई हमारा टारगेट रहेगा क्योंकि इक्वल हाई पे बहुत सारी लिक्विडिटी है।
नाउ हम इस तरीके से टारगेट प्लान कर रहे हैं, राइट। नाउ अब तुम्हें समझ में आया कि किस तरीके से एंट्री प्लान करनी है। अगर आप 5 मिनट पर भी जाते हो तो ये देखो प्राइस जस्ट प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को ग्रैप किया, लोअर टाइम फ्रेम पे हमने हमारी एंट्री प्लान की और हमने बाय साइड का ट्रेड पकड़ लिया। हाँ, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन पे करते तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बट अगर आप बिग प्लेयर के जस्ट जो काम करने का तरीका है उसको अगर आप समझ रहे हो कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैप करते हैं, लिक्विडिटी मीन्स रिटेल प्लेयर जो बाय सेल करते हैं उनको वो ट्रैप कर रहे हैं, राइट, लोगों को सेल की तरफ बैठा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने लोग प्रीवियस डे का लो ब्रेक होने पे कितने लोगों ने सेलिंग की होगी, बड़े बड़े ब्लैक कैंडल, मेरे में ब्लैक है आप में रेड होगी, राइट, रेड कैंडल को देख के कितने लोगों ने सेल की होगी और इन लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर दिया और बिग प्लेयर अपसाइड में चले गए, राइट। तो आई होप आप समझ गए हो कि प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे के लो को किस तरीके से प्लान करना होता। अगर मैं आपको और क्लियर तरीके से समझाऊँ तो अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया है, जब प्रीवियस डे का लो को ग्रैप किया था तो हमने लो पे एंट्री बनाई और हाई पे सेल किया। एक्चुअली टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था बट लोअर टाइम फ्रेम पे हमारी लिक्विडिटी यहाँ तक बता रही थी। टारगेट अगर आप यहाँ तक रखते जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेंड अप है तो जिस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ग्रैप हुई है उस कैंडल की हाई हमारा टारगेट रहेगा, ट्रेंड अप है तो, राइट। तो नाउ अगेन हम नीचे जाते हैं और टारगेट एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, 1:90, ठीक है। लेकिन ये दिखा के मुझे तुम्हें बहलाने का कोई मतलब नहीं है, राइट, ठीक है। ये जो रियलिटी थी मैंने आपको बताया, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो बढ़िया ट्रेडर होते हैं, वो इसी तरीके से ट्रेड करता है, राइट। अगर आपको ये पता होता देन आप इसको पूरा का पूरा कैप्चर करते हैं, ठीक है। तकरीबन यहाँ पर अगर आप देखोगे देन 103 पॉइंट 104 पॉइंट का टारगेट था, राइट। नाउ मैं आपको सेकंड एग्जांपल दिखा देता हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जब प्रीवियस डे की कैंडल का लो ग्रैप करता है या प्रीवियस डे का हाई ग्रैप करता है तो आपको जो ट्रेड प्लान करना रहता है उस केस में पहला जो स्विंग रहता है आपको चौक बोलना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद आई नो स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको आईडीएम करना है, बट इस वाले केस में, राइट, जब प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो ग्रैप हो उस केस में आपको ट्रेंड के रिवर्स जाना होता है, दैट्स व्हाई तुम्हें पहले जो स्विंग है उसको चौक बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक और एग्जांपल है ये वाला, ये हमने पहला लिया था, राइट। नाउ यहाँ पर एक देखो, ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, ये वाली एक कैंडल है और सेकंड डे की कैंडल क्या कर रही है, इसके लो को ग्रैप कर रही है, ये उसका लो वाला पार्ट रहा, ठीक है, और यहां तक नीचे गया ना, इस जगह तक नीचे गया, ये पूरा का पूरा पार्ट लो के नीचे वाला पार्ट है और ये लाइन जो है ये इसका लो है, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। नाउ हम अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं और हम नीचे से एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा इसका हाई तक रहेगा, राइट। तो एंट्री कैसे प्लान करनी है वो देखो, ठीक है, ये आपके पास है, ये उस दिन का लो रहा, राइट, ये उस दिन का लो रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन हो रहा है डाउन जा रहा है, ये नीचे वाला जाने वाला पार्ट हुआ, प्राइस ग्रैप कर रहा है, ठीक है। ग्रैप करने के बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि एक गैप जो होता है उसको एफसीजी के तौर पे लेना रहता है, राइट। तो ये हमारा एफसीजी था, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो एक इनसाइड बार के अंदर ये सारी की सारी कैंडल आ रही है, राइट, और इनसाइड बार के ऊपर एफसीजी भी है, तो ये पूरा का पूरा चीज क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक और उसके ऊपर एफसीजी, ठीक है। अब आप बोलोगे नीलेश भाई आपने इस छोटी वाली कैंडल को क्यों नहीं लिया, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये जो छोटी वाली कैंडल जो है वो इस पूरी वाली कैंडल के अंदर आ रही है, ये 1 2 3 4 5 ठीक है, सारी कैंडल 5 और 5 कैंडल इस बड़ी वाली ब्लैक कैंडल के अंदर आ रही है और वही रीजन है कि मैंने इनसाइड बार पूरी ली है, ठीक है, और उसके ऊपर एग्जैक्ट एफसीजी भी है, राइट, ये छोटा वाला, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। प्राइस जो है ऊपर से जो है डाउन साइड में टैप करने आ रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक को, राइट। नाउ हमें पता है प्रीवियस डे के लो को स्वीप कर चुका है, राइट, और इसको टैप करके अपसाइड भी जा रहा है, तो पहली एक एंट्री हमें यहाँ मिलती थी बट हमने इसको कंफर्मेशन के तौर पे लिया, एंट्री ली नहीं है। नाउ हम डाउन ट्रेंड पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहला स्विंग क्या होगा आपका, बिल्कुल चौक, राइट, चौक हुआ। नाउ डाउन साइड में देखोगे कौन सा एफसीजी टैप होना बाकी है, ये वाला एक बाकी है, राइट,
या फिर टैप होना बाकी, और प्राइस क्या कर रहा है, चौक होने के बाद टाउन साइड में आ रहा है। इस एफपीजी को टैप कर रहा एंड प्राइस जो है अपसाइड, एंड अपसाइड टारगेट कहाँ रहेगा हमारा, ये जो इक्वल हाई है पहला ये, यहां तक आपका टारगेट रहा राइट, एंड प्राइस उस टारगेट को अचीव करता। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ध्यान ये तकरीबन आपको मिल रहा है 1:34 राइट, 1:34 आपको मिल रहा है। इसके अंदर आपको अगर पॉइंट देखेंगे 100 पॉइंट अगेन मिल रहा है राइट, और ज्यादा दूरी की बात नहीं है, मैंने 4-5 दिन पहले के ही दोनों एंट्री आपको एक साथ बता दी है ठीक है। नाउ आप अगर आपको ध्यान से देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे राइट, मैंने आपको यहां से लो से पकड़वाया इस जगह से राइट, ये लो से आपको मैंने बाय करना इधर से सिखाया ठीक है, और सेकंड ट्रेड में भी मैंने आपको लो से पकड़ना सिखाया राइट। नाउ आप समझ चुके होंगे कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना रहता है। आपको डेली टाइम फ्रेम देखना रहता है ठीक है, और फिर आपको पहले स्विंग को चौक लेना रहता है। अगर ऊपर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तब भी आपको पहला स्विंग चौक ही लेना रहेगा, और डाउन साइड में आपको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड अप है और आप फिर डाउन के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपको पहले ट्रेंड चेंज करवाना पड़ेगा, और ट्रेंड आप कैसे चेंज करवाओगे, पहले स्विंग को चौक बोल के ठीक है। चौक जैसे ही होगा फिर प्राइस नीचे आएगा वापस रिटेस्ट करने, और पीओआई को टैप करेगा और फिर अपसाइड ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले स्विंग को चौक बोला, पीओआई को टैप करके फिर अपसाइड हाई तक हमने पूरा पकड़ा। फिर अगेन यहाँ पे हमने जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो हमने हमारे माइंड को अपसाइड के लिए बिल्ड किया, और अपसाइड के लिए बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया, पहले स्विंग को चौक बोला और हाई तक हमने टारगेट रखा राइट। और यही दो केस हमें मिले और प्राइस जो है अपसाइड में बढ़िया गया ठीक है। नाउ अगर आप इस जगह पे देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड के अगेंस्ट जब कोई चीज हो, जब आप इस दिन को आप देख रहे होंगे राइट, ये प्रीवियस डे का हाई था, मार्केट ने एक ओपनिंग ली राइट इस जगह पे, और प्राइस डाउन साइड चला गया। पहले ये डाउन गया था ठीक है, तभी तो वीक बनी है राइट, ऑब्वियसली बात है डाउन गया होगा तभी तो वीक बनी होगी। तो डाउन गया होगा तो आपने क्या सोचा होगा, वाओ अनिलेश भाई ने बोला था कि इसके हाई की लिक्विडिटी क्रैप हो गई है तो यहां तक टारगेट रखना होगा। लेकिन अब आपने ये चीज नहीं देखी कि ट्रेंड अप है तो नीचे कहां तक जाएगा, जस्ट पीओआई जहां पे बचे होंगे उसको टैप करना, उसके बाद अपसाइड चला जाएगा ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हम लेते हैं, तो एक एग्जांपल जो मैंने ट्रेंड के साथ था वो भी आपको बता दिया, और एक एग्जांपल मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बता रहा हूँ राइट। ट्रेंड के अगेंस्ट ग्रैब हुआ था ठीक है, और ये वाले पार्ट को हम जाते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है हमारा 29 नवंबर ठीक है, जो हमारा हाई पॉइंट था, एंड 30 नवंबर को प्राइस ओपन हो रहा है राइट, और डाउन साइड जा रहा है ठीक है। तो ये जब ओपन हुआ, ध्यान से देखो, ये जब ओपन हुआ राइट, तो प्रीवियस डे के हाई पे ओपन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ, डाउन गया है और फिर क्लोजिंग दी है अब जाके ठीक है। तो नाउ अब ध्यान से देखो, ओपन हुआ, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, और हमने पहले स्विंग को बोल दिया चौक, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग यही है ठीक है, हमने इसको बोल दिया चौक। नाउ क्या हमें डाउन साइड पूरे तक टारगेट रखना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि भाई ट्रेंड अप है राइट, तो हमें ये काउंटर ट्रेड ही पकड़ना है ठीक है। नाउ अगर आप यहां देखोगे, चौक हुआ, प्राइस अपसाइड आया, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा और उसके नीचे वाला एफपीजी, प्राइस जो है इसको टैप कर रहा है, और यहां पर आप अपने काउंटर ट्रेड को ले रहे हो। कौन से ट्रेड को? काउंटर ट्रेड को, और यहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को डाल रहे हो। और आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, नीचे का कोई पीओआई नहीं है राइट। उस केस में आपने पहले देख लिया कि सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, जस्ट यहाँ पर कुछ पीओआई बचे हुए हैं लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी ठीक है, या ये स्विंग राइट, तो आप इस स्विंग तक रख रहे हो, एंड ये आपने पहला काउंटर ट्रेड ले लिया ठीक है। इसके अंदर आप तकरीबन देखोगे तो 1:4, क्यों हमने इसको डाउन तक नहीं रखा? क्योंकि ट्रेंड अप था तो जस्ट नीचे के पीओआई को टैप करने आने वाला था राइट। दूसरी चीज, आपने ये भी देख लिया कि ट्रेंड अप है और नीचे के सारे पीयूआई डन हो चुके हैं लाइक इस तरीके से। अगर मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊं, आपने देख लिया यहाँ पे कि जो सारे पीयूआई हैं लाइक इस तरीके से, नीचे के ये यहाँ तक पीयूआई थे ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे देन ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है राइट,
ओके सर, ये फील हो चुका है, ठीक है। ये वाले कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर छोटा सा एक एफिज है, ठीक है, जो लास्ट वाला पीओआई था, बाकी सारे पीओआई नीचे डन हो चुके थे, राइट। तो जस्ट यही एक पीओआई था, प्राइस ने इसको टैप किया। अब यहां से आपने देख लिया कि भाई मेरा जो काउंटर ट्रेड था वो डन हो चुका, हम यहाँ पर ले सकते थे, ये पूरा पकड़ सकते थे, बट रिटेस्ट करने नहीं आया था, तो रिटेस्ट करने यहाँ पर आया, तब तक तो नीचे के पीओआई डन हो चुके थे, तो हमने जस्ट यही पीओआई टारगेट रखा, राइट, और यही पीओआई को डन करके प्राइस अपसाइड चला गया। नाउ समझो, काउंटर ट्रेड हमने पकड़ लिया, राइट। काउंटर ट्रेड पकड़ने से पहले हम बाय वाला ट्रेड भी पकड़ सकते थे। कैसे पकड़ सकते थे? हमें पता था ट्रेंड अप है, प्रीवियस डे का हाई भी ग्रैब हुआ है, बट हमें पता था नीचे तक के ही टारगेट है, तो उस केस में आपको पता है कि लास्ट वाला पीओआई ही हमारा टारगेट है, तो लास्ट वाला पीओआई डन होने के बाद प्राइस अब जाने वाला है, हमें पता है, राइट। तो इस जगह पे हम एंट्री लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे बाय के लिए, ठीक है। तो कैसे प्लान करेंगे? पहला जो स्विंग है हमारा चौक रहेगा। अब इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट, चौक हुआ। नाउ आप यहां पर नोटिस करोगे तो यहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी है का, राइट। तो आप नोटिस करोगे, ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर छोटा सा एफपीजी है, प्राइस जस्ट इसी को टैप कर रहा, राइट, एंड अपसाइड जा रहा, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड जा रहा, एंड ये फिर आप प्लान कर सकते थे। और अगर आपको यहाँ पे बेहतर नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि भाई मेरा क्लियर व्यू नहीं है, लाइक मेरा एफपीजी क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप क्या करो कि एक स्ट्रक्चर बन जाने दो और उसके बाद नीचे आने दो और उस जगह पे एक बढ़िया एफपीजी बन जाने दो, ठीक है, और फिर आप प्लान करो और आप ये पूरा काउंटर ट्रेड पकड़ोगे अपसाइड के लिए, ठीक है। जो हाई बना हुआ था वहां तक आप अपने टारगेट को रख सकते थे इस तरीके से, और आप इस जगह पे चौक होने के बाद प्राइस डाउन आया, इसको टैप किया और अपसाइड से आप इस तरीके से बाइंग पकड़ सकते हैं। और उस केस में अगर आप स्विंग के बिलो स्टॉप लॉस रखना चाहते हो उस तरीके से, या फिर एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के बिलो रखना चाहते हो तो उस तरीके से, ठीक है, वो फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएगा, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा आईसीटी में, ठीक है। और ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू वाला ट्रेड भी और ये काउंटर ट्रेड भी आपने पकड़ लिया उस दिन में, ठीक है। ये एकदम एक्सट्रीम वाली कंडीशन है, ठीक है, ये एकदम डेप्थ में जाके मैंने आपको बताया, मैंने जस्ट बेसिक्स नहीं सिखाया है कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, मैंने आपको ट्रेंड के साथ भी बताया है कि ट्रेंड जब अप रहता है या ट्रेंड जब डाउन रहता है और उस केस में जब हाई एंड लो स्वीप होता है तो किस तरीके से आप इसे प्ले कर सकते हो, राइट। आई होप आपको प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो किस तरीके से ट्रेड प्लान करना रहता है आप समझ चुके हो। नाउ जो है हम प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस स्विंग या हाई, स्विंग हाई या स्विंग लो है उसको किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो को किस तरीके से हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी में समझ सकते हैं, राइट, या किस तरीके से उसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो नाउ हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो के एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पहले पार्ट में हमने लर्न किया कि किस तरीके से प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के लिक्विडिटी को ग्रैब करके हमें ट्रेड प्लान करना होता है। नाउ जो है हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझेंगे, राइट। तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो एक्चुअल में है क्या उसको आप समझो, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो अप ट्रेंड का है, राइट, प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है, आईडीएम हुआ, ठीक है, बॉस, आईडीएम हुआ, बॉस, राइट। तो इस तरीके से अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर जा रहा है और अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर को अगर आप मार्किंग करोगे तो कुछ इस तरीके से आप करने वाले हो। हाई, हाई कंफर्म कैसे हुआ? आईडीएम के वजह से, राइट। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको समझा के रखा है, ठीक है, ये आईडीएम। नाउ यहां पर बॉस होते ही क्या होगा? हायर लो कंफर्म, आपका बॉस हुआ और ये आपका हायर लो कंफर्म। नाउ प्राइस जो है अपसाइड में गया हुआ और डाउन हल्का सा आया और फिर अब अगेन अपसाइड गया, ठीक है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया लो। नाउ अगर आप यहां पर देखोगे हाई आईडीएम एंड बॉस होने के बाद हमारा हायर लो, हायर लो हमारा कंफर्म हुआ इस जगह पे। अगर आप इस जगह के अंदर नोटिस करोगे तो ये हमारा स्विंग हाई है, राइट, हायर हाई, ये हायर हाई और ये हायर लो एंड हायर लो, ठीक। अब स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर लिक्विडिटी कैसे होती है उसको आप समझो, ठीक है। ये स्विंग हाई है, राइट, प्राइस जो है बॉस करने के बाद इसके अबाव जो लिक्विडिटीज हैं या जो भी स्टॉप लॉस है प्राइस उसको कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस जगह पे, और प्राइस डाउन आता है
IDM लेता है और POI पे टैप करके अपसाइड जाता है, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पे भी कर रहा है, राइट। यहाँ पर इसने बॉस किया होगा, बॉस करने के बाद एक हायर हाई बनाया, ठीक है। यहाँ की सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की IDM और POI पे टैप करके अपसाइड, ठीक है। तो प्राइस जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो के लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और प्राइस अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है, राइट। अगर अप ट्रेंड में है तो हायर हाई के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से एक सेलिंग आई है तो काफी रिटेलर्स लोग यहाँ पर सेल करके बैठे होंगे, ठीक है। एम पैटर्न देख के या हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख के डाउन साइड में जा रहे होंगे और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है और अगेन डाउन, ठीक है। अगेन यहाँ पर लोग स्टॉप लॉस रखते हैं और रिटेलर सेल करते हैं और बिग प्लेयर्स जो है यहाँ से बाय कर रहे होते हैं, राइट। तो बॉस के ऊपर जो है बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, प्राइस उसको कलेक्ट करती है। तो काफी लोग क्या करते हैं कि बॉस होता है और तुरंत बाय करते हैं, इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। प्रो बोलते हैं वाव SMC बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, राइट, बट एक्चुअल में वो गलत तरीके से कर रहा है, इस तरीके से प्लान करते हैं। और कई बार वो फेल होते हैं, कई बार सक्सेसफुल होते हैं और वो उनका विन रेट बताते हैं कि देखो हम इतनी बार फेल हुए नो डाउट, बट हम इतनी बार सक्सेसफुल हुए और हमें कंटिन्यूसली पूरी रैली देखने को मिली। बट उन्हें ये नहीं पता है कि बॉस के अबाव ट्रेड नहीं लेना होता, ट्रेड हमें किस तरीके से लेना है, एकदम लो पे बाय करना, राइट। ओके जस्ट अ मिनट, लो के POI पे बाय करना है ऑर्डर ब्लॉक पे और हाई पे सेल करना, राइट। सेम चीज डाउन आने के बाद लो पे बाय करना है एंड हाई पे सेल करना है, बॉस पे सेल करना है, बॉस पे बाय नहीं करना है, बॉस पे सेल करना है, राइट। और वो हमेशा बिग प्लेयर्स इस तरीके से ही प्लान करते हैं, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है, हायर लो, इसके अबाव एंड बिलो, राइट, बहुत सारी लिक्विडिटी है, प्राइस उनको कलेक्ट करती है एंड डाउन साइड आती है और POI को टैप करके अपसाइड जाता है, ठीक है। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी वर्क करती है, अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डाउन में जा रहा है, पहला IDM लेगा, राइट, प्राइस वहां की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, IDM बना, फिर यहाँ पे जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको प्राइस टैप करेगा एंड डाउन साइड कंटिन्यू करेगा, और डाउन साइड करके क्या करेगा, बॉस यहाँ पर इसने बॉस किया, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे देन हायर लो, राइट, एंड और हायर हाई, सॉरी लोअर लो एंड लोअर हाई, राइट, मिस्टेक, ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाई, राइट। नाउ बॉस कर चुका, अब लोग क्या है कि बॉस के बिलो सेल मारते हैं, राइट, और बिग प्लेयर्स जो हैं उनकी लिक्विडिटी को कलेक्ट करते हैं। बॉस के बिलो इस तरीके से सेल मार रहे और उन्हें लगता है कि प्राइस डाउन साइड जाएगा, बट एक्चुअली प्राइस क्या करता है, इस तरीके से हल्का स्विंग बना के डाउन आता है और ये IDM को लेता है और यहाँ के POI पे जाता है और लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं और ये POI को टैप करने के बाद प्राइस जो है डाउन की तरफ जाता है और फिर बॉस करता है, राइट। तो बॉस के अप ट्रेंड में बॉस के अबाव बाई नहीं करना है एंड डाउन ट्रेंड में बॉस के बिलो सेल नहीं करना, हमें सेल करना है POI पे और हमें बाय करना है POI पे, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमें ऑर्डर ब्लॉक रेफ्यूजी से बाय करना है और बॉस पे सेल करना है, राइट, ये मेरा कहने का मोटिव है, ठीक है। नाउ आपने ये तो देख लिया कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो के बिलो लिक्विडिटी है और अप ट्रेंड में हायर हाई के बिलो लिक्विडिटी है। नाउ ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि लोअर हाई के बिलो लिक्विडिटी कैसे हुई, ठीक है, तो वो भी मैं आपको डेप्थ में समझा देता हूँ। प्राइस जो है दिस टाइम क्या कर रहा है, इस तरीके से IDM बनाया, राइट, और IDM को प्राइस लेना है, बट अब प्राइस जो है ऊपर नहीं जा रहा, क्या कर रहा है, चौक, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया चौक। अब लोग समझते हैं कि चौक हो चुका है, ट्रेंड डाउन का हो चुका है, राइट, हमें एग्रेसिवली यहां से सेल मार देना है, इस जगह से सेल करना है और ट्रेंड डाउन हो चुका है, ठीक है, तो हम डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे और इस तरीके से स्टॉप लॉस डालेंगे। लेकिन प्राइस क्या करता, चौक होते ही डायरेक्ट इधर तक बाइंग करता है और फिर गिरता, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि चौक होने के बाद बाइंग आती है। अप ट्रेंड में अगर चौक हुआ है तो बाइंग आएगी और डाउन ट्रेंड में अगर आपका चौक हुआ है कुछ इस तरीके से, ये चौक वाला पॉइंट है और चौक हो गया यहाँ पे, आपका ये चौक हो गया, राइट, इस जगह पे, तब लोग बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड में चौक हो चुका है ना, ट्रेंड जो है अप हो चुका है, राइट, तो हमें बाय करना है और वो एग्रेसिवली यहां से बाय कर देते हैं और प्राइस जो है डाउन तक यहाँ तक जाता है इस जगह तक और फिर अप साइड करता है। और वो लोग ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं, इस तरीके से चौक के अबाव बाय, ये उनका स्टॉप लॉस स्विंग के लो पे और ये
और उनके लग जाता है। एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि अप ट्रेंड में अगर चौक हो रहा है तो नीचे से बाइंग आएगी, और वो बाइंग कहां तक आएगी, जो प्रीवियस हायर हाई था उसके बिलो वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, या फिर यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करने जाएगा और फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में पूरा कंटिन्यू करेगा लोअर लो आईडीएम बनाते हुए, राइट। अप ट्रेंड में अगर चौक हो रहा है तो बाइंग आएगी, और यह बाइंग लंबी रहेगी, शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं रहेगी, लंबी बाइंग रहेगी। कहां तक? अगले चौक होने तक नहीं, चौक के बिलो वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, या पहले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में अगर चौक हो जाता है तो नो डाउट ट्रेंड चेंज हो चुका है और बाइंग ही आने वाली है नीचे से, बट पहले एक सेलिंग आएगी। क्यों सेलिंग आएगी? क्योंकि पहले वो रिटेलरों को ट्रैप करेगा डाउन साइड और फिर वो अपसाइड अगेन जाएगा। डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड हो चुका है, बट अप ट्रेंड में एक बार वो ट्रैप करेगा डाउन साइड, और कहां तक? नीचे के सारे पीओआई टैप करने तक, और फिर अपसाइड जाएगा, राइट। ये मेरा कहने का मतलब है कि हायर लो के बिलो, राइट, ये लोअर हाई है, इसके अबाव किस तरीके से लिक्विडिटी रहती है, एंड हायर लो के बिलो किस तरीके से लिक्विडिटी रहती है। चौक होने के बाद अप ट्रेंड में आपको तुरंत सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है, एक बाइंग आएगी और अपसाइड के पीओआई से आपको सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में आपका चौक हो जाता है तो एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि नीलेश भाई, चौक हो जाएगा तो सेलिंग और बाइंग आएगी कहां से? अंडा ये आता है ना कि चौक हो गया, अब हम कहां से देखें कि सेलिंग आने वाली है, राइट, और हम इस सेलिंग को पकड़े कैसे? तो जस्ट नॉर्मल इतना माइंड में रखो, चौक होते ही लेफ्ट साइड में यहां से कोई पहला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, सबसे पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, एक के ऊपर दूसरे ऑर्डर ब्लॉक होंगे, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक होंगे, बट सबसे पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा प्राइस उसी को, चौक होते ही पहला जो ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करेगा और डाउन साइड गिरेगा, और नीचे का पीओआई डन करके फिर अप ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा। और डाउन सॉरी अप ट्रेंड में चौक होते ही यहां पहले से जो कोई एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा उसको प्राइस टैप करेगा एंड ये बाइंग आएगी, और तब आप ये बाइंग पकड़ पाओगे। मैं आपको इसको ये चार्ट में भी बताऊंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, और फिर ये बाइंग होने के बाद, ऊपर के पीओआई डन होने के बाद आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, राइट। आई होप आप समझ गए हो, मैं इसे थोड़ा और डेप्थ में समझा देता हूं जिससे आप समझ सको, ठीक है। ये आपका हायर हाई है, राइट, ये हायर हाई आईडीएम, हायर हाई आईडीएम, हायर हाई आईडीएम, राइट, एंड प्राइस जो है दिस टाइम इस तरीके से हो रहा है। इसको सारे बेहतर तरीके से एक मार्किंग कर देता हूँ जिससे आप समझ सको, ठीक है। हायर हाई, राइट, हायर हाई, हियर हायर हाई, आईडीएम, राइट, आईडीएम एंड अगेन आईडीएम, राइट। नाउ हायर लो, राइट, हायर लो एंड बॉस, बॉस, राइट। नाउ हमारा चौक पॉइंट कौन सा है? बॉस हो चुका है, तो चौक पॉइंट है हमारा ये वाला, प्राइस जो है डाउन साइड आने के बाद चौक कर दिया डायरेक्ट। अब अप ट्रेंड से क्या हो गया? डाउन ट्रेंड में अब हमें कंफ्यूजन हो गया कि यार अब हम करें क्या। डाउन ट्रेंड हो गया, नीलेश भाई ने बोल दिया कि स्ट्रक्चर मैपिंग में चौक होने के बाद डाउन ट्रेंड हो जाता है और ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अब हमें करना क्या है, एंट्री कहां से लेनी है? देखो, चौक होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और सारे ट्रेंड इस तरीके से डाउन ही जाएंगे, राइट। बट ये डाउन ट्रेंड करने से पहले एक बाइंग आती है, इसे हमेशा माइंड में रख देना कि अप ट्रेंड के बाद जब चौक होता है तो पहले एक बाइंग आएगी, और ये बाइंग थोड़ी बड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो दबा के लिक्विडिटी ग्रैब करेगा जिससे रिटेलर ट्रैप हो जाए और फिर एक लंबी गिरावट आएगी, क्योंकि अगर एक लंबी गिरावट चाहिए तो एक बड़ा ऑर्डर भी तो फील होने चाहिए और उसके लिए एक बड़ी लिक्विडिटी चाहिए, राइट। तो वो इस तरीके से करता है। नाउ फंडा आता है कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक से या कौन से पॉइंट से बाइंग आएगी, राइट, किस जगह से बाइंग आएगी। तो आपको चार्ट को पूरा जूम करना है और यहां से एक पुराना एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा होगा, चौक वाला पॉइंट लेना है, ठीक है। चौक वाला पॉइंट कहां पर है उसके नीचे नीचे आना है और देखना है कि यहां पे पुराना कोई ऑर्डर ब्लॉक है जो सबसे पहला है। अगर आप नोटिस करोगे कि सबसे पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक यहां कहीं पे है, प्राइस उसी को टैप करेगा और आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और यहां पर आपको चौक विद चौक वाली एंट्री आपको लेना है। पहले पॉइंट को चौक बोलना है और नीचे एफजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अपसाइड जाएगा और आप इस तरीके से इस बाइंग को पकड़ पाओगे, ठीक है।
और टारगेट आपको अगेन यहाँ पे एक चौक हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है अब वो दूसरा चौक करने नहीं जाएगा, ट्रेंड डाउन करेगा, ट्रेंड तो करने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको टारगेट इस पॉइंट के बिलो जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो या ये लेग में पहला जो ऑर्डर ब्लॉक हो वहां पे आपको टारगेट रख देना है। और प्राइस जो है वहां तक जाने के बाद फिर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक आएगा वहां से आपको एक रियल एंट्री मिलेगी फॉर डाउन ट्रेंड। ये आपका काउंटर ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है और डाउन ट्रेंड में आप बाइंग पकड़ रहे हो जो सबसे बड़ी आने वाली है, राइट। आई होप आप ये समझ चुके हो। नाउ मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी एक बार एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। फिर हम इसको चार्ट में देखते हैं। ये आपका आईडीएम हुआ, राइट, अगेन आईडीएम हुआ, अगेन आईडीएम हुआ, राइट। नाउ इस केस में अगर आप देखोगे आईडीएम, IDM, and here IDM, right? Lower low, lower low, and lower low, right? And here boss, because you're downtrend, right? Boss. बॉस, राइट। एंड हमारे हायर लो कहां पर है, ये वाला, राइट, ये वाला, ठीक। अब प्राइस क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड था, इसको यहां पीओआई से टैप होकर डाउन साइड जाना चाहिए था, बट प्राइस क्या कर रहा है, हल्का सा डाउन आके डायरेक्ट चौक कर दिया, राइट, क्या कर दिया, चौक। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल चुका है, राइट, ओके। डाउन ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में बदल चुका है, नाउ हमें बाय करना है, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, डाउन ट्रेंड से जैसे ही अप ट्रेंड में होता है प्राइस, तो फिर एक गिरावट आती है, राइट। और ये जो लो बना हुआ था उसके ऊपर तक जो कोई पीओआई है उसको टैप करके फिर वापस चली जाती है, और यहां से एक्चुअल बाइंग बनता है, ना कि यहां से। लोग गलती यही कर देते हैं, चौक होते ही यहीं से बाय करने बैठ जाते हैं, यहां से बाय नहीं करना है, यहां से बाय, नो डाउट डाउन से अप ट्रेंड हो चुका है, हमें पता है अप ट्रेंड है, बट हमें लॉस नहीं लेना, हमें एक्चुअल लॉस है पकड़ना है और हाई पे सेल करना है, ना कि कहीं पे भी हम बाय करें, राइट। बिग प्लेयर्स जिस तरीके से बाय करते हैं उसी तरीके से हमें बाय करना, राइट। तो अब ठंडा आता है कि चौक के बाद सेलिंग कहां से आएगी, पुराने वाले में जाना है पहले के स्ट्रक्चर में जूम आउट करके, और आपको देखना है कहीं से ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। चौक के ऊपर सबसे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, नॉट सेकंड नॉट थर्ड, सबसे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक प्राइस उसको लेगा, एंड प्राइस वहां से आपको गिरता हुआ दिखेगा। और कहां तक गिरेगा, हमेशा याद रखना, ट्रेंड अप हो चुका है तो ये गिरावट इसके अभाव तक ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, और आपको इस तरीके से प्लान करना, राइट। फिर स्ट्रक्चर इस तरीके से डाउन जाएगा, राइट। डाउन जाने के बाद ये पीओआई को टैप करके फिर अप ट्रेंड ये करेगा, या फिर इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके या चौक करके नीचे के पीओआई को टैप करके आपको बाय ट्रेड देगा। इस तरीके से डाउन से फिर अप कन्वर्ट होता है, लेकिन पहले आपको ये सेलिंग पकड़नी है, राइट। और सेम चीज यहां पर होती है, चौक होने के बाद एक बाइंग आती है, फिर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो कि अप ट्रेंड में चौक के बाद आपको बाय करना रहता है, एंड डाउन ट्रेंड में आपको चौक के बाद सेल करना रहता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बाइंग देखने को मिलती है डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद आपको बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है अप ट्रेंड में, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। नाउ हम इसको चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको चार्ट पे मार्क कर सकते हैं और ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं कोई ऐसे ट्रेड नहीं बताऊंगा जो दिखने में बहुत बढ़िया हो, राइट। एक्चुअल में मैंने उसको पकड़े हैं लाइव स्ट्रीम पर, मैं लाइव स्ट्रीम पर आता हूं तो बहुत बार ऐसे ट्रेड को पकड़ता हूं, राइट। तो वो सारे ट्रेड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ऐसे ट्रेड पकड़े हैं और आप भी उसको किस तरीके से पकड़ सकते हो, राइट। नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। नाउ हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट अभी 30 मिनट पर है, और 30 मिनट पर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें चौक के बाद एक ट्रेड प्लान करना रहता है, और ट्रेड प्लान करने के बाद किस तरीके से हमें वो ट्रेंड को कंटिन्यूस में ट्रेड लेना रहता है, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, राइट। और अगर अप ट्रेंड में अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ, देन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आपका एक हायर हाई है, राइट, और इस हायर हाई के लेफ्ट साइड का ये आईडीएम है, ठीक है, ये आपका एक आईडीएम है, राइट। नाउ प्राइस डाउन साइड जाता है एंड बॉस कर रहा है इस जगह पे,
ये आपका बॉस हुआ, ठीक है, और बॉस होते ही लोएस्ट जो पॉइंट था वो आपका हायर लो बन गया, राइट। नाउ हमें एक नया हायर हाई मार्क करना है आईडीएम के साथ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई हायर हाई या कोई आईडीएम नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुआ है हायर हाई, और इसका आईडीएम अगर हम देखें देन इस जगह पे है, हाँ ये वाला एक पार्ट है, राइट। एक्चुअली ये पूरा इनसाइड बार है तो हम इसे नहीं लेंगे, ये हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है। ये एक आपका आईडीएम हुआ है। नाउ बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी कौन सा है, सबसे एक्सट्रीम वाला अगर हम देखें, क्योंकि पहले वाला तो ब्रेक हो चुका था, राइट, तो सबसे एक्सट्रीम वाला हमें लेना है, ये वाला। एंड प्राइस क्या कर रहा है, हायर लो को ब्रेक करके चौक, क्या कर रहा है चौक, मतलब जो ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, अप ट्रेंड था वो ट्रेंड हो गया है डाउन, अब लोग क्या करेंगे चौक के बाद एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, राइट। ये दिन मुझे आज भी याद है, एग्रेसिवली बहुत भयंकर सेलिंग आई थी उस दिन के अंदर, अगर मैं उस दिन को मार्क करूं, ये 2 अगस्त है एंड ये 3 अगस्त है, राइट। फर्स्ट 3 अगस्त को मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, 3 अगस्त को, राइट, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये वाला पॉइंट आप यहां से देखोगे तकरीबन 800 पॉइंट मार्केट गिर चुका था, राइट। एंड उस दिन मैं पागल था जो नीचे से बाय के लिए रेडी हो रहा था, राइट, और एवरीबडी, राइट, ठीक है, सब शॉक हो चुके थे कि ये बंदा क्या कर रहा है लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। काफी लोगों ने नेगेटिविटी की थी, ठीक है, कि भाई सारे बैंक 2.5-3% नेगेटिव है, रिलायंस वगैरह सारी चीजें नेगेटिव है, और तू यहाँ से बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर रहा है, यूएस में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, एक कंपनी ने नेगेटिविटी दे दी है, राइट, और उसके अगेंस्ट तो इतनी बड़ी बाइंग कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे थे क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं जानते थे, ठीक है। तो चौक हुआ, राइट, अब चौक के बाद डाउन ट्रेंड हुआ, लोग सेल कर रहे थे और मैं जो था पागलों की तरह बाय के लिए रेडी हो रहा था, ठीक है। तो मैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से आपको देखना होता है लेफ्ट साइड में कि पहला ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है, तो अगर आप यहां पर देखोगे लेफ्ट साइड में तो ये वाला आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एक्चुअली इनसाइड बार है तो इनसाइड बार ले लिया, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक और इसके अबाव एफपीजी भी है, ठीक है। तो एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को मैं छोटा कर देता हूं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाएंगे। हमने क्या किया, चौक होने दिया और फिर पीछे से एक ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहला ये पहला ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो मैंने पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया, राइट, और ये वाले पार्ट को मैं अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, ठीक है। ये वाले पार्ट को मैं जूम कर रहा हूँ इस तरीके से और ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। तो यहाँ पर चौक हो चुका था और ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक वाली रेंज थी, है ना, अगर मैं सही से मार्क कर रहा हूँ तो, राइट, ये वाली रही थी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। नाउ ये दिन कौन सा है, 3 अगस्त, राइट। तो मैं 3 अगस्त को लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, पहले 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ और मैं 3 अगस्त को जाऊंगा, ठीक है। ये रहा 3 अगस्त, और आप यहां पर देखोगे तो ये आपका पार्ट है, ठीक है, जो हमने लिया हुआ था सबसे छोटा वाला 3 अगस्त वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो पीछे से आ रहा था, और इस केस में अगर आप यहां पर देखोगे, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूं, राइट। तो हमने इसको किस तरीके से मार्क करेंगे, पहला लोअर लो, राइट, और लोअर लो कैसे मार्क करेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्क किया, राइट, और इसको किस तरीके से मार्क करेंगे, पहला पॉइंट चौक, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी वाले पार्ट में ही बताया था कि हमें अब नीचे से बाय करना है तो पहला स्विंग क्या होगा, चौक, राइट। तो हमने ये चौक लिया, चौक होते ही अगर आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेते हैं, मैं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेता हूं, बट ये चौक के नाम से ज्यादा फेमस है, राइट। अभी आप इतने एडवांस हुए नहीं हो, आईसीटी ट्रेडर आप बने नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, मैं उसको आईसीटी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो अभी आप यहाँ पर चौक लिख लो, ठीक है, यहाँ पे चौक हुआ, अपना वो प्राइस डाउन आया, और डाउन साइड में देखोगे तो कौन सा एफपीजी और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, तो जैसे ये एक एफपीजी यहाँ पर है और ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं ये वाले पूरे पार्ट को ले रहा हूँ इस तरीके से, राइट, एंड यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा ट्रेड मैंने लाइव में पकड़ा हुआ है, हमने बीटीएसटी भी लिया था, सेकंड डे ओपन हुआ था तो हमने पूरा 900 पॉइंट कैप्चर किया था, राइट।
और अब हमें टारगेट कहाँ रखना चाहिए। तो मैं अगेन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, राइट, और टारगेट के लिए हम जाते हैं। ये हम 30 मिनट पे आए हुए, राइट, और अगर हम यहाँ पर टारगेट देखें देन हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर फ्लो है, एंड ऑर्डर फ्लो के अंदर सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, राइट, और इसके बिलो एक छोटी सी एफपीजी भी है, राइट। तो हम इसको यहाँ तक टारगेट प्लान करते हैं, अगेन लोअर टाइम फ्रेम, राइट, एंड 23 अगस्त, ओके 3 अगस्त वाला देखते हैं, ये रहा। एंड ये पूरा का पूरा 900 पॉइंट जो था मैंने कैप्चर किया था, राइट, मलाई स्टीम पे था एंड मैंने BDST भी दिया था। और ये एग्जिट थी 30 मिनट का, यहाँ पर चौक हुआ, ठीक है, ये वाला पार्ट चौक हुआ, एंड फिर हमने पहला जो स्विंग है उसको चौक मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक आया हुआ था पीछे से, राइट, एंड उसमें पहला जो स्विंग था उसको चौक मार्क किया, नीचे वाले एफपीजी पे हमने ट्रेड प्लान किया। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 1:28, 1:29 है, ठीक है, और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो तक पूरा लोगे तो भी ठीक है, बट मैं यहाँ तक ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ से समटाइम्स रिवर्स हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि चौक होने के बाद किस तरीके से आप ट्रेंड में बाइंग करनी रहती है, राइट। ये आपको एक छोटी बाइंग देखने को मिली, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, अगेन वो हाई तक नहीं जाएगा, पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक जाएगा, और उसके बाद अब आपको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू देखने को मिलेगा, राइट। फिर डाउन ट्रेंड, देखो चौक हो चुका है और चौक के बाद डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होने वाला है, राइट, बट उससे पहले आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी और आपको वो बाइंग पकड़नी है और फिर वो डाउन ट्रेंड पकड़ना है। नाउ हमने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पकड़ ली, अब हमें सेलिंग पकड़नी है, तो कैसे क्या करें, तो अगेन हम 30 मिनट पे आते और ये वाले पार्ट पर अगर हम जाएंगे देन हमने देखा कि चौक हो चुका है, चौक की बाइंग भी आ चुकी है, नाउ ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब हमें यहाँ से सेल के लिए प्लान करना है तो कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो पहले आप अगर यहाँ पे देखो तो ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट है और ये आप इसका लेफ्ट वाला जो स्विंग है ये वाला, ठीक है, सॉरी ये राइट पड़ रहा, बट ये एक स्विंग है, ठीक है। प्राइस जो है डाउन साइड में आ रहा है और अप साइड में ये सारे POI लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जितने भी होंगे, या फिर ये वाले पार्ट को अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे बताऊं तो भी आप पकड़ सकते हो, या हायर टाइम फ्रेम पे आप ये स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस में जस्ट ये एक POI था और यहाँ से आप एक्चुअल एंट्री बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि आप ये पूरे पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पर एक भी ऑर्डर ब्लॉक या FAG नहीं है, तो एंट्री बनाना आपके लिए मुश्किल था। आप यहाँ से बनाते देन तो भी आपको प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअल अगर 30 मिनट में आप अगर देखते तो इस तरीके से डाउन हुआ, फिर अपसाइड गया और रिजेक्शन ब्लॉक, ये आपको ICT में मैं लर्न करवाऊंगा, तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए, फिर प्राइस डाउन गया और फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एक्चुअल एंट्री मिली और आप इसको फिर डाउन ट्रेंड में यहाँ बॉस तक इसको कर सकते थे, ठीक है, ये आपका बॉस एंड। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो बना, ये आपका IDM बना और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक से सेल हुआ, राइट। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, ठीक है, आपका लोअर लो, ये आपका IDM, ठीक है, और क्योंकि अब डाउन ट्रेंड हो चुका है तो अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड हो चुका है तो लोअर लो मार्क करना, लोअर लो 30 मिनट का IDM, 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड आप डाउन साइड और बॉस तक आपका टारगेट, ठीक है, और ये आपको डाउन साइड के लिए भी ट्रेड मिल गया। पहले हमने काउंटर पकड़ा और उसके बाद हमने सेल का ट्रेड पकड़ा, ठीक है, एंड 30 मिनट में सेकेंड एंट्री आपकी इस जगह से भी बनती थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से भी आप अपने एक एंट्री को प्लान कर सकते थे और यहीं से आपको एक शार्प मूव डाउन साइड देखने को भी मिला एंड प्राइस डाउन साइड, राइट। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली या चौक वाली आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि चौक के बाद किस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म वाला रेंज पकड़ना रहता है और उसके बाद वो कंटिन्यूशन रेंज पकड़ना रहता है, ठीक है। सारी की सारी चीजें मैंने आपको चार्ट में बता दी और इस टॉपिक के बाद हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम शिफ्ट होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी में कि इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है और उसको हम किस तरीके से बेनिफिट में ले सकते हैं और हम उसको किस तरीके से चार्ट में फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो नाउ हम शिफ्ट होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी में। इंटरनल लिक्विडिटी पे जाने से पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एक और पॉइंट रह गया है जिसे मुझे कवर करना है, बॉस स्वीप होना एंड हमारा जो चौक है वो स्वीप होना, राइट। इसे थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे उसके बाद हम जो है इंटरनल लिक्विडिटी की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो बॉस स्वीप होना एंड चौक स्वीप होना क्या होता है, ध्यान से समझो, ये हमारा हायर हाई है, राइट, IDM हो चुका है एंड यहाँ से हमारी बाइंग भी आ चुकी है, राइट। अब ये पॉइंट से बाइंग तो आ चुकी है और बॉस की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब हायर हाई को ब्रेक करने जा रहा है और बॉस करने की तरफ जा रहा है। अभी बॉस हुआ नहीं है, ठीक है, इसको साइड में रखो, अभी बॉस हुआ नहीं है। बॉस कब होगा, जब ये हायर हाई ब्रेक होगा।
फंडा ये आ रहा है कि हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज होगी तब बॉस होगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया राइट कि हायर हाई के अबाउ बॉडी क्लोज होगी तभी बॉस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस केस में मान लो कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, एक बॉडी बनी है या आपकी यहाँ पर एक बॉडी बनी और ये वाला आपका बॉस पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पे आपका बॉस पॉइंट है, तो प्राइस क्या कर रहा है, इस तरीके से ऊपर तो गया ये कैंडल बट डाउन आके सेलिंग कैंडल टाइप क्लोज हो चुका है या इस तरीके से क्लोज हो चुका है। राइट, मीन्स बॉस जो है उसके अबाव की लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका है एंड प्राइस डाउन साइड इस तरीके से क्लोज हुआ है रेड कैंडल। ग्रीन होगी तो भी चलेगा, बस स्वीप होना जरूरी है। ठीक है, इसे बोलते हैं बॉस स्वीप होना। राइट, ओके सॉरी जस्ट इसे बोलते हैं हमारा बॉस स्वीप होना, मींस बॉस के अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई, बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। राइट, और प्राइस जो है यहां से डाउन साइड मोमेंटम करेगा यहां तक, या फिर वो चौक भी कर सकता है। राइट, बट नीचे के पीयूआई तक आप टारगेट रख सकते हो इस केस में। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी पीयूआई हो और उसमें आप अपने जो सेलिंग ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हो। एकदम छोटा सा कैंडल जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड हमारा इस तरीके से ट्रेड प्लान रहेगा। राइट, इस तरीके से जो बॉस पे हमारा जो लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है राइट उस कैंडल पे आपको रखना। इस तरीके से आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, लाइक तकरीबन 10 या 15 पॉइंट स्पॉट चार्ट में। ठीक है, मैं प्रीमियम में भी नहीं बोल रहा हूँ, 10-15 पॉइंट स्पॉट चार्ट में, और आपको डाउन साइड में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, प्राइस जो है चौक करने जाएगा तब। ठीक है, मतलब मान लो बॉस हो चुका है, इस तरीके से आपको बॉस हो चुका है, नाउ प्राइस जो है डाउन साइड जा रहा है, आईडीएम बना के डाउन साइड जा रहा है। एंड ये जो चौक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि चौक के बिलो भी बॉडी क्लोज होना जरूरी है, नहीं तो चौक नहीं होगा। तो इस जगह पे बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है, जस्ट कैंडल डाउन जा रही है राइट, और डाउन जाने के बाद ऊपर आके क्लोज हो जाती है या ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाती है कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करके। इस कैंडल को बोला जाता है IFSC कैंडल, जो कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करती है उसे बोला जाता है IFSC कैंडल। राइट, ये आने वाले पार्ट में हम डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, बट फिलहाल इसे माइंड में रखना। ठीक है, नाउ क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई और ग्रीन में जाके कैंडल क्लोज हो गई, या रेड में होगी तो भी चलेगा। ठीक, क्लोज हो गई, इससे क्या हुआ कि ये जो चौक की लिक्विडिटी थी वो सारी कलेक्ट हो गई। हायर लो के बिलो की लिक्विडिटी जो थी, ये हायर लो था, इसके बिलो जितने भी स्टॉप लॉस थे सबके कलेक्ट हो गए, और यहां से आपको अप साइड में एक बाइंग देखने को मिलेगी। राइट, कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस, एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो बॉस तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि चौक तो हुआ नहीं है, चौक स्वीप हुआ राइट और ऐसा ज्यादातर आपको कब देखने को मिलेगा पता है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या FPG नहीं है और IDM लेने के बाद चौक ही बचा है, तो चौक की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, चौक नहीं करेगा, चौक की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा और फिर अपसाइड, क्योंकि उसे अपसाइड जाने के लिए रीजन तो चाहिए ना, तो ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, तो अब इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो बॉस स्वीप होना एंड चौक स्वीप होना। ठीक है, सेम चीज आपको डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको डाउन साइड एक कैंडल इस तरीके से देखने को मिलेगी राइट, बॉस स्वीप करेगा इस तरीके से, एंड बॉडी जो है ग्रीन में जाके क्लोज हो जाएगी, हैमर टाइप पैटर्न जो भी है ना, कैंडल पे मैं बिलीव नहीं करता कैंडल से एक पैटर्न पर। ठीक है, तो इस तरीके से बॉस स्वीप कर लेगा राइट, एंड प्राइस जो है अपसाइड में जाएगा और चॉक कर देगा, ट्रेंड चेंज कर देगा, या यहाँ के जो नदी की POI है वहां तक आप टारगेट रख सकते हो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, सेम चीज है, बॉस होने के बाद आपको चौक भी देखने को मिलेगा, मतलब चौक भी स्वीप हो सकता है राइट डाउन ट्रेंड में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बॉस हो गया राइट, लाइक इस तरीके से इसका हाथ टूट चुका है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। प्राइस जो है बॉस कर रहा है, हल्का सा स्विंग ले रहा है, और इस केस में डायरेक्ट जाके कर दिया चौक को स्वीप कर दिया, मतलब ये जो हायर लो वाला पॉइंट था, ये जो हायर लो वाला पॉइंट था इसको प्राइस जो है चौक कर देता, मतलब चौक डायरेक्ट किया नहीं है, जस्ट चौक को ग्रैब कर रहा है इस तरीके से। ग्रीन कैंडल गई थी ऊपर, एंड ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोज हो गई और आपकी लिक्विडिटी, चौक की लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो गई, चौक हुआ नहीं है, जस्ट चौक की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और इस कैंडल को बोला जाता है IFSC कैंडल। ठीक है,
इस तरीके से भी क्लोज हो सकता है या फिर इस तरीके से रेड में जाके भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। और इस केस में आपको इस तरीके से ट्रेड प्लान करना, क्योंकि ट्रेंड डाउन ही है और चौक की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ट्रेंड चेंज तो हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट बॉस तक आप टारगेट रख सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है, कि बॉस और चौक स्वीप होना क्या होता है। नाउ मैं इसको थोड़ा चार्ट में भी बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। हम चार्ट में इसको ड्रॉ करते हैं, राइट, और हम कहीं पे इसे फाइंड करते हैं तो मैं आपको डीपली बताता हूँ। देखो एक हाल ही के दिनों में यहाँ पर हुआ है, राइट, ये हमारा जो पार्ट है लोअर टाइम फ्रेम पे, जब आप जाओगे 1 मिनट में तो यहाँ पे आपको बॉस वाला पार्ट मिलेगा और वो बॉस स्वीप होता है, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ 16 नवंबर कह रहा हूँ, 1 मिनट एंड 16 नवंबर, राइट, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड, राइट, हायर हाई IDM, ठीक है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है, हायर हाई, राइट, एंड ये आपका IDM है एंड लिक्विडिटी ग्रैप करके प्राइस अपसाइड में जाके लिक्विडिटी ग्रैप कर रहा है एंड डाउन साइड आपको फॉल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज और एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक देखा था मैन, ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, राइट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे देन हायर हाई, राइट, IDM, प्राइस अपसाइड जाता है एंड बॉस हुआ नहीं है। ध्यान से देखो बॉस के अभाव क्या हुआ, बॉडी क्लोज नहीं हुई है। आप अगर ध्यान से देखो बॉस के अभाव जो है बॉडी क्लोज नहीं हुई है, प्राइस बस यहाँ से डायरेक्ट फॉल कर रहा, और ये है ग्रीन कैंडल हमारी IFSC कैंडल एंड डाउन साइड में प्राइस जो है कंटिन्यू कर रहा, राइट, एंड फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, बॉस स्वीप हुआ एंड डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है, राइट। ऐसे ही आपको बहुत जगहों पर देखने मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ठीक है, एक्चुअली ये 15 मिनट पे जाते तो लोअर लो स्वीप होता हुआ दिखता, बट यहाँ पर नहीं है, राइट, बट इस जगह पे देखोगे तो इस जगह पे भी है लोअर लो, राइट, आपके ये IDM एंड मैं इसे मार्क कर देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये आपका लो पॉइंट, ये आपका लेफ्ट स्विंग IDM, इसको स्वीप करके ये गिर गया, राइट, ये भी एक एंट्री मॉड्यूल होती है, एंट्री मॉड्यूल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आपका IDM हुआ, ठीक है, और प्राइस जो है बॉस करने की जगह क्या हुआ, बॉस करने की जगह क्या हुआ, जस्ट स्वीप किया, बॉस को क्या हुआ, स्वीप किया, बॉस हुआ नहीं है, स्वीप कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉस भी स्वीप हो सकता है, राइट, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो पे SL डाल के क्या करना, बाय, एंड जो भी आपका यहाँ पर लिक्विडिटी है इक्वल हाई या जो कुछ भी आप चौक वगैरह पॉइंट रखना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है, ये इक्वल हाई है, नियर रखा, ठीक है, मैं ज़्यादातर इक्वल हाई पे ही बिलीव रखता हूँ, राइट, वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट करती, तो ये एकदम ईजी ट्रेड जो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिया, हाँ, बॉस और चौक किस तरीके से स्वीप होता है, ठीक है, आपको सारे टाइम फ्रेम पे देखना। आई होप आपको ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के जितने भी पॉइंट थे, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल का हाई एंड लो की लिक्विडिटी, स्विंग हाई एंड लो की लिक्विडिटी, राइट, चौक के बाद आप बाइंग सेलिंग जो कुछ भी करना है वो सारी लिक्विडिटीज मैंने आपको बता दी, प्लस मैंने आपको बॉस और चौक स्वीप कैसे होता है और उसके अंदर कैसे ट्रेड बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ हम थोड़ा इंटरनल में डेप्थ में जाते हैं क्योंकि मुझे लिक्विडिटी पूरी तरीके से समझाना, एक्चुअली लिक्विडिटी बहुत लंबी है और बहुत सारे पार्ट है, बट मैंने जस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल लिया हुआ है, बाकी की लिक्विडिटी मैं आपको ICT वाली सीरीज में लर्न करवाऊंगा, राइट। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे हो, ठीक है, मे भी थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा बट आपको लर्न करना, राइट, है ना, आपको कोर्स बाय करके बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको लर्न करना है, ठीक है, तो मेरी पूरी प्रायोरिटी है कि मैं आपको लर्न कराऊँ, राइट। नाउ जो है हम इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ते हैं, ओके, नाउ हम इंटरनल लिक्विडिटी पे है, राइट, और इंटरनल लिक्विडिटी को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक इंस्टीट्यूट मतलब जो भी प्लेयर्स हैं उनकी तरह अगर आपको सोचना है तो आपको पहले रिटेलर के जो माइंडसेट है उसको समझना पड़ेगा कि रिटेलर कैसे ट्रेड करते हैं और रिटेलर किस तरीके से ट्रैप होते हैं, राइट, उसके बाद ही आप अपने जो बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट हैं उनको आप पता लगा पाओगे, ठीक है। तो पहले आपको देखना है कि रिटेलर किस किस जगहों पर ट्रैप होते हैं और आप उनका किस तरीके से बेनिफिट उठा पाते हो, राइट, और वो चीज़ आपको बताएगी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। आप इसको ये आप पर है कि आप इसको कितने बेहतर वे में कर सकते हो, राइट,
आप क्रिकेट देखते हो और कोई बंदा टीवी के अंदर या मैच के अंदर सिक्स मार रहा है, आप देख रहे हो वाह कि ये बहुत बेहतर तरीके से सिक्स मार रहा है, और आप दूसरे दिन ग्राउंड पे जाओगे और आप बैट उठा के सीधा लगाने जाओगे तो आपसे सिक्स नहीं लगेगा, आपकी विकेट गिर जाएगी या आपसे प्ले होगा, राइट? बिकॉज आपने जस्ट उसे देखा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्ले करने का। जितने अंदर जितना आपके अंदर प्ले करने का एक्सपीरियंस होगा उतना आप बेटर वे में उसको फाइंड कर पाओगे, ठीक है? तो ये पूरा कंसेप्ट इंटरनल लिक्विडिटी का कंसेप्ट जो है वो आपके ऊपर आता है कि आप इसको कितने बेटर वे में मार्क कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे मार्क कर सकते हैं, राइट? और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, कि मैं किस बेटर वे में इसको मार्क करता हूं और किस तरीके से मेरी साइकोलॉजी इसके अंदर रहती है, ठीक है? तो नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरनल लिक्विडिटी, राइट, किस तरीके से रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस डे हाई एंड लो का लिक्विडिटी ग्रैप करना, राइट? ये प्रीवियस डे की हाई एंड लो है, राइट, इस जगह पे कि प्रीवियस डे का लो वाला पार्ट ये रहा एंड हाई वाला पार्ट ये रहा, ये ग्रैप हो जाता है। और ग्रैप करने के बाद जो हमने ट्रेड प्लान करते वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू डायरेक्शन पकड़ता। पहला वो डायरेक्शन के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत सारे पैटर्न, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इक्वल लो इक्वल हाई, ठीक है, वेज वगैरह बनते हैं, एम पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें बनती है, राइट? उसके अंदर रिटेलर ट्रैप होते हैं क्योंकि हर कोई तो इस तरीके से एसएनसी के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहा है ना। 99% लोग ये पैटर्न्स वगैरह में फंसे हुए हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन में फंसे हुए, राइट, या ट्रेड लाइन वगैरह पर ट्रेड करते हैं। तो उसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि रिटेलर किस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं और बिग प्लेयर उनको किस तरीके से ट्रैप करके उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। और जब हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम बिग प्लेयर के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और हम हमारे प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे, राइट? तो नाउ ये वाला एक कंसेप्ट आता है। दूसरी चीज है कि जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं ये हायर हाई, राइट, नाउ आईडीएम हो जाता है इस जगह पर, आईडीएम हो जाता है, ठीक है, एंड प्राइस डाउन साइड आता है और नीचे का जो पीओआई है उसको टैप करके प्राइस जो है अपसाइड में जाता है एंड बॉस करता है, राइट? ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये बॉस करता है। बट मैंने जैसे आपको बताया कि हायर हाई के अबाव एंड हायर लो के बिलो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो इंटरनल कहाँ होगा? इंटरनल लिक्विडिटी होगी इसके अंदर, राइट, और खास करके ये वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि ये वाले पार्ट में लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा कि वो ये वाले बाइंग को पकड़ ही ना पाए। अगेन मैं बता रहा हूं, इस जगह पर लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा रिटेल ट्रेडरों को कि उनका माइंड जो है इधर जाने का रहेगा और बिग प्लेयर करेंगे इस जगह। अगेन मैं कह रहा हूं, लोगों का माइंड इस जगह बनाया जाएगा, और इस जगह कैसे बनाएंगे? जो वो देखना चाहते हैं। तो रिटेल प्लेयर क्या देखना चाहते हैं? डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ट्राइंगल्स, वेज वगैरह या कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। और ये सारी चीजें दिखाकर इन्हें डाउन साइड किया जाएगा, एक बड़ी बड़ी कैंडल ब्लैक दिखाई जाएगी या रेड दिखाई जाएगी, और फिर वो अपने ऑर्डर इस जगह पर फील करके बाउंस कर देंगे, ठीक है। सेम चीजें होंगी, राइट, सेम चीजें होंगी डाउन ट्रेंड में, राइट। मान लो ये आपका आईडीएम वाला पार्ट है, आईडीएम होता है एंड ये आपका बॉस इधर होने आता है, ये आपका बॉस है, और ये वाला जो पहला पार्ट है ये आपका आईडीएम है। ये आपका लोअर लो और ये आपका लोअर हाई, एंड पीओआई से प्राइस डाउन साइड जा रहा है। नाउ फंडा ये आता है कि यहां पर जो है ये जो लैग आया हुआ है, ये पूरा लैग बाइंग का आया हुआ, इसमें रिटेलरों को बायर बनाया जाएगा। यहाँ पे मे बी वो डब्ल्यू दिखाएं, मैं भी आपको एक ट्रेड लाइन दिखाते हुए ले जाएं, ठीक है, या फिर आपको वेज वगैरह दिखाते हुए, या जो कोई भी उनको पैटर्न देखने वो पैटर्न दिखा के उन्हें बायर बनाया जाएगा और शार्पली फॉल कर देंगे और इन लोगों को ट्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अप ट्रेंड है तो वो पहले रिटेलरों को डाउन में फंसाएंगे और खुद अप में जाएंगे, राइट, और अगर डाउन ट्रेंड है तो रिटेलरों को बाइंग में फंसाएंगे और खुद डाउन में जाएंगे, राइट। तो नाउ इस जगहों पर ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, उसको हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, ठीक है, उसको जो है हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, थोड़ा टाइम लूंगा, बट प्लीज अपना टाइम दो, राइट। वैल्यूएबल चीजें मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है और बेहतर तरीके से होगा। तो प्राइस जो है एक आईडीएम लेगा, राइट,
अब आपको भी पता है कि आईडीएम लेने के बाद प्राइस जो है ऐसा 45 डिग्री माइनस में तो जाएगा नहीं इस तरीके से, है ना। वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाएगा, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक रेंज बना देगा, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करके लोगों को बाय करवाएगा, फिर सपोर्ट ब्रेक करके लोगों को सेल करवाएगा, राइट। या फिर वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जोन क्रिएट करेगा, एक ट्रेड लाइन, है ना, एंड ट्रेड लाइन सडनली ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। कहाँ तक ब्रेक करेगा? मतलब ये एक ट्रेड लाइन हुआ, इसको ब्रेक किया, और कहाँ तक फॉल करेगा? जब तक उसका पीओआई ना आ जाए। और लोग क्या करेंगे? इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे सेल के लिए, नीचे तक टारगेट रखेंगे एंड ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड प्राइस क्या करेगा? शार्पली यहाँ से बाउंस। और ये सिर्फ एसएमसी को पता रहेगा, एसएमसी ट्रेडर को, कि भाई यहाँ से एक बाइंग आने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है और रिटेलर इधर ट्रैप हो जाएंगे। और वो ट्रैप कैसे हो रहे हैं? ट्रेड लाइन दिखा के ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हो गई, या कोई वेज वगैरह दिखा देंगे जो ब्रेक हुआ एंड डाउन साइड, या कोई चैनल वगैरह या कोई एम पैटर्न वगैरह दिखाएंगे और उनको डाउन साइड करेंगे, और वो इस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज हो सकती है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, तो वो क्या करेंगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे और यहाँ पे तीन चार टॉप बना के सडनली एक बड़ी कैंडल के तौर पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएंगे, रिटेस्ट भी दिखाएंगे और शार्पली डाउन साइड फॉल, है ना। तो पहले क्या करेंगे? वो यहाँ पे बायर को ट्रैप करेंगे, बाद में सेलर को ट्रैप करेंगे, एंड फिर प्राइस में ये लोग जो है अकेले आराम से बढ़िया तरीके से जाएंगे। और यही एक रीजन है कि 99% ट्रेडर लॉस में रहते हैं, सारे के सारे इसी के अंदर खत्म, राइट। क्योंकि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उन्हें बस ये सिखाया जाता है डब्ल्यू पैटर्न, वेज वगैरह, या फिर आपका एम पैटर्न वगैरह, या ट्रेड लाइन वगैरह, एंड वो ब्लो हो जाते हैं। अगर ये नहीं होता देन 99% ट्रेडर लॉस में नहीं होते। ये वाकई में अगर वर्क करता होता, ठीक है, ध्यान से समझो, ट्रेड लाइन वर्क करती है, मैं बिलीव करता हूँ, राइट, ट्रेड लाइन वर्क करती है, बट कितने टाइम? ध्यान से समझो, कितने टाइम? 10 में से सिर्फ 2 बार, और 8 बार ये फेल हो जाती है। क्योंकि अगर ये 2 बार वर्क नहीं करेगी तो रिटेलर इसमें ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट। 2 बार जब वर्क करती हुई देखेगी तो रिटेलर बोलेंगे, ओ माई गॉड, क्या बढ़िया ट्रेड मिला, है ना। और उन 2 के चक्कर में ये 8 वाले में ट्रेड प्लान करेंगे और लॉस, क्योंकि विन रेट ही उनका 20% है। एंड साइकोलॉजी तो आपको पता ही है, राइट, है ना। मुझसे बेहतर आप अपनी आपकी साइकोलॉजी को जानते हो कि कितनी वीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मे बी कुछ लोगों की बढ़िया हो, राइट, है ना, बट 90% लोगों की साइकोलॉजी वीक है, बड़े टारगेट पकड़ ही नहीं पाते, स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं, डरते हैं, है ना। तो ये एक रीज़न है कि वो ऐसे चीज़ों को ट्रैप करवाते हैं बिग प्लेयर्स, जो रिटेलर ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में या ज़्यादा ऑडियंस के साथ, ज़्यादा भीड़ के साथ लोग उसको फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं एंड अपसाइड में मोमेंटम जाता है, राइट। मैं अब आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे चार्ट में कि एक्चुअली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ इंटरनल लिक्विडिटी में, राइट। और उसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, राइट। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और इसको और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। नाउ अभी हम निफ्टी के चार्ट पर हैं और निफ्टी के चार्ट पर अभी जो है हम इंटरनल लिक्विडिटी जो है मार्क करेंगे, राइट। मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जस्ट ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये पूरा ब्लैंक चार्ट है, राइट, इसमें कुछ भी ड्रो नहीं है, और यहाँ पर जस्ट ऑब्जर्व करो कि आपको कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी दिख रही है, राइट। वो चाहे ट्रेड लाइन हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, अपने तरीके से पूरी बेटर वे में ना लिक्विडिटी को मार्क करो, राइट। आप जस्ट ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर मुझे सबसे बेस लिक्विडिटी कहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, जस्ट ऑब्जर्व करो, राइट, ठीक है। मैं भी आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट, कि ये तो पूरा ब्लैंक चार्ट है, कहाँ पर मैं अपने लिक्विडिटी को मार्क करूँ, ठीक है। नाउ मैं आपको कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स मार्क करके दिखाता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, 20 नवंबर का ही है, राइट, आज से 10 दिन पहले का। तो जस्ट ऑब्जर्व करो, ये आपका हायर हाई है, ये आपका आईडीएम है, एंड नीचे ये आपका लास्ट पीओआई है, राइट, जहां से एक बाइंग आने वाली है। तो सबसे पहले आपको एक पीओआई मार्क कर लेना है जहां से आपका बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। ये आपका बाइंग वाला पार्ट है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, ठीक है। तो हमने इसको मार्क कर लिया, राइट। अब इस केस के अंदर जस्ट आप लिक्विडिटी मार्क करो, ये शार्पली गिरा हुआ था तो शार्पली अपसाइड गया। कभी भी हमेशा याद रखना, प्राइस जो है शार्पली गिर के शार्पली अपसाइड नहीं जाएगा, है ना। लाइक 90% डिग्री में गिर गया और 90 डिग्री में अपसाइड जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्राइस जो है
लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लोगों को ट्रैप करेगा और उसके बाद जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में जस्ट आप ऑब्जर्व करो, प्राइस जो है सैडली गिरा, काफी सेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ, फिर प्राइस अपसाइड गया, नाउ लोग ये बड़ी कैंडल को देख के बाय में चढ़े हैं। तो अब क्या सभी रिटेलर बाय करेंगे और बिग प्लेयर भी बाय करेंगे, तो फिर बिग प्लेयर के ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होंगे? नहीं होंगे, राइट। तो इन बायर को क्या करना पड़ेगा? सेलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? जस्ट ऑब्जर्व करो, राइट। इस जगह पे मैं आपको लिक्विडिटी मार्क करके दिखा रहा हूँ। पहला पार्ट है ये वाला, एक ट्रेड लाइन के तौर पर यहाँ पे देखो, राइट। काफी जगह ऊपर लोगों को ट्रैप किया जाए, यहाँ पर ट्रैप किया गया, राइट। एक ब्रेकआउट दिया, प्राइस ने रिटेस्ट किया एंड अपसाइड भी आ, राइट। जब ये चलता होता ना, जब लाइव चार्ट चलता होता, राइट, और जब हमारे इमोशंस इसके साथ जुड़े रहते हैं, हम ट्राइड को मतलब हम चार्ट को जो है एकदम ध्यान से देखते हैं, राइट। हमारे ट्रेड को लेने के लिए एकदम ध्यान से इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो अपने आप चलने लगते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट के तौर पर, ठीक है। जस्ट हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं, ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, और यहाँ पर अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, इस जगह पर जूम करके दिखाऊँ, तो प्राइस नीचे रिटेस भी किया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनती है ना, तो इस तरीके से जब चढ़ता अपसाइड में जाता हुआ दिखता है, फिर अगेन ब्लैक कैंडल और अगेन डाउन साइड जाने के बाद अगेन एक कंफर्मेशन मिली, तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हाथ जो है अपने आप चलते हैं, राइट। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स जो हैं ट्रैप हो जाते हैं पर बाइंग साइड, है ना, एंड प्राइस जो है सारे पे डाउन साइड जाता है और सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर और ऑब्जर्व करोगे, तो ये एक और लिक्विडिटी है, अगर मैं इसे बेटर वे में मार्क करूँ, राइट, तो आपको यहाँ पर एक और लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपकी एक लिक्विडिटी है। नाउ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, तो ये ट्रेड लाइन जो है नीचे की ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये ब्रेक हुई, ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया एंड डाउन साइड यहाँ तक कैंडल आ गई, इस जगह तक, ठीक है। अब इतनी बड़ी रिटेस्ट होने के बाद डाउन साइड जब कैंडल आएगी, पहले इतनी बड़ी कैंडल, फिर ऊपर रिटेस्ट और डाउन साइड, ठीक है। तो ट्रेड लाइन रिटेस्ट हुई है, लोग डाउन साइड में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, लोग डाउन साइड में इन्वॉल्व हुए हैं और लोग यहाँ पर भी ट्रैप हुए हैं, है ना। और इसी तरीके से रिटेलर ट्रेड लाइन और ये सारी चीज़ों को देख के ट्रैप होते हैं। तो पहले क्या हुआ, जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट, फिर लोगों को सेलिंग की तरफ फंसाया गया, तो इधर भी लॉस और इधर भी लॉस। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट करते हैं वो गैम्बलर होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, बीच में चढ़ जाने वाले लोग, है ना, यहाँ पे ट्रैप और यहाँ पे ट्रैप। और हमें पता था कि हमारे POI से बाइंग आने वाली है, और जस्ट SMC ट्रेडर यहाँ से बाय करते हैं, इक्वल हाई पे जो लिक्विडिटी थी सारे की सारी कलेक्ट, है ना। नाउ अब अगर यहाँ पे अगेन नोटिस करोगे, तो प्राइस जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं आपको अगेन टाइम दूँ, तो जस्ट नोटिस करो कि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको क्लियर चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोग कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, लोग कहाँ पर बाय और सेल कर सकते हैं, रिटेलरों की तरह सोचना, क्योंकि जब आप रिटेलर के माइंड को बढ़िया तरीके से समझ पाओगे, आप बढ़िया तरीके से ट्रेड प्लान कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है पता है, अपने पहले यहाँ पे देखना है कि POI कौन सा बचा हुआ, मार्क कर लो, ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है और ये गैप तो आपको पता ही, ऑब्वियसली बात है, ये पूरा का पूरा गैप जो है आपका FVG होता है, राइट, आपको पता ही। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो ये पूरी ब्लैक कैंडल जो है, ये पूरी की पूरी ब्लैक कैंडल जो है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है, राइट। तो ये सभी कैंडल मिला के एक ही कैंडल हुई, इनसाइड बार कैंडल और इसके ऊपर FVG, तो ये एक एग्जैक्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, राइट। तो हमारे पास जस्ट एक ही ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस पूरे केस में एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ हमें लिक्विडिटी मार्क करना है कि लिक्विडिटी किस किस जगहों पर हमें देखने को मिल रही है और किस किस जगहों पर लोग ट्रैप हो सकते हैं। मान लो अगर आप यहाँ इस जगह पे होते तो आप किस तरीके से प्लान करते, आपको बस ये एक्सिम वाले पे ध्यान देना था, है ना। और जब आप एक्सिम वाले पे ध्यान देते हो, तो आप कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे, राइट। अगर आपको एग्जैक्ट लिक्विडिटी मार्क करके दूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहली लिक्विडिटी, राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रही है रेड लाइन के तौर पर, ठीक है, एक वेज बना हुआ, उस तरीके से आपको एक लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज रेजिस्टेंस के तौर पर, प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, थर्ड टाइम गिरा, चौथे टाइम भी रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे सेलर इन्वॉल्व हुए हैं, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर के बाद काफी सारे ये बिग कैंडल में बाइंग के लिए ट्रैप हुए, राइट। तो पहले यहाँ पर हुए सेलर ट्रैप, फिर यहाँ पर हुए बायर ट्रैप, राइट, एंड इसके बाद सेल और बाय दोनों ट्रैप होने के बाद प्राइस जाता है डाउन साइड हमारे POI पे, ठीक है।
बढ़िया तरीके से इसे समझ पा रहे हो राइट। नाउ इनके ऑर्डर फेल हो चुके हैं और यहाँ से तुरंत बनता है बाउंस, पर टारगेट कहाँ तक? इक्वल हाई तक राइट। ये होता है एक बेटर वे में लिक्विडिटी मार्क करना, एक लॉजिक के साथ ट्रेड करना, ना कि इन भेड़ों के बीच में हमें फंस जाना। हम ट्रेडर हैं, हमें इसे प्रोफेशनल वे में करना है, ना कि एक भेड़ के तरह करना है हमें राइट। हम ट्रेडर हैं है ना, तो हम कहीं पे भी नहीं टूट सकते। हमारे ट्रेड के पीछे लॉजिक कितना है, प्रोबेबिलिटी क्या है और उसकी सेंस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, किस सेंस पे हम ट्रेड ले रहे हैं ठीक है। और जब हमें ट्रेड में एसएल हिट होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे सेंस में कहाँ पे प्रॉब्लम थी, और उस तरीके से आप बेटर ट्रेडर बनते जाओगे ठीक है। नाउ अगेन आप देखोगे आयर हाई राइट आईडीएम ठीक है। नाउ हम जस्ट हमारे पीओआई को मार्क करें तो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफजी यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक ठीक है। एक्चुअली ये मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह, रिजेक्शन ब्लॉक वगैरह, वैक्यूम ब्लॉक वगैरह जो कुछ भी है मैं आपको आईसीटी में समझाऊंगा, लेकिन जस्ट अभी ऑब्जर्व के वे में देखो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न पैटर्न बन रहा है। यूनिकॉर्न सेटअप भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब जस्ट ऑब्जर्व करो ठीक है। ये आपका यूनिकॉर्न वाला एक सेटअप है मिटिगेशन ब्लॉक राइट, मैंने इसको मार्क किया हुआ, तो मैंने ब्लॉक मार्क किया राइट। जस्ट नाउ आप इसे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है। तो पहली ये रेड लाइन लिक्विडिटी राइट, एग्जैक्ट ट्रेड लाइन मार्क करो इस तरीके से। नाउ दूसरा जो है सपोर्ट के लिक्विडिटी या एक सप्लाई सॉरी डिमांड जोन के लिक्विडिटी राइट। सपोर्ट भी ले सकते हो, डिमांड जोन भी कुछ लोग लेते हैं ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गुरुज हैं जो कुछ भी लर्न करवाते हैं कि बहुत बड़ा रेंज बन जाए तो उसको डिमांड बोल दो, बहुत बड़ा रेंज बन जाए तो सप्लाई बोल दो ठीक है। तो सप्लाई भी ले सकते हो या डिमांड भी राइट, या फिर आपका सपोर्ट भी ले सकते हो राइट। नाउ पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ, ट्रेड लाइन ब्रेक होने पर एक बड़ी कैंडल आई, इसमें लोग बायर बने, इन सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट। फिर ये सपोर्ट ब्रेक होने पर जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी कैंडल देख के सेल किया, सेलर वी ट्रैप एंड वी आर गोइंग टू बाइंग राइट। ये मैं कोई ज्यादा पुराना नहीं दिखा रहा हूँ, आज ही का दिखा रहा हूँ। एंड वहां पे जाके जो हुआ प्राइस ने बॉस कर दिया राइट। नाउ अगेन हम देखें हायर हाई आईडीएम स्वीप हो गया एंड अपसाइड चला गया ठीक है। अब ये हायर लो हमारा है, हायर हाई ध्यान से देखो, हायर हाई आईडीएम स्वीप राइट एंड हायर लो ये बनेगा ठीक है। तो हायर लो के ऊपर जस्ट एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक का रेफ्यूजी यही है राइट। तो मैं ये पहले से ही मार्क कर देता हूँ मेरे पीओआई, जिससे आपको आइडिया आ जाए ठीक है कि क्या करना। नाउ ध्यान से देखो, एक हमारा हायर हाई है, यहाँ पर जो है हमारा एक आईडीएम बन चुका है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे राइट तो आपको एक आईडीएम देखने को मिलेगा ठीक है। इस जगह पे एक आईडीएम बना है एंड आपका पीओआई यहाँ पर है राइट। और ये बड़ी कैंडल्स के अंदर काफी लोग सेलर में जो है तब्दील हो चुके हैं और सेलिंग की तरफ ट्रैप हो चुके हैं ठीक है। नाउ जस्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक लिक्विडिटी है वेज के तौर पर ठीक है। दूसरी चीज अगर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे राइट इस जगह पर, अगर इसे और बेटर वे में मार्क करता हूँ ये है राइट, और ये आपकी लिक्विडिटी हुई ठीक है। और प्राइस जो है अब जाके इसको टैप करके अपसाइड जा रहा है। नाउ दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हुआ राइट, और इस जगह पे लोग बायर में इन्वॉल्व होते हैं एंड इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं स्विंग के बिलो एसएल रख के और प्राइस इस तरीके से रखते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्रेड अपसाइड गया, डाउन साइड के स्विंग लो के सारे एसएल कलेक्ट किया और उसके बाद अपसाइड ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन अब बोलोगे नहीं मैं तो यहाँ पे नहीं फंसता, बट यहाँ पे देखो 60 पॉइंट का फॉल आया हुआ है निफ्टी के अंदर। 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है राइट, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता ठीक है। तो यहाँ पर रिटेलर जितने भी थे सारे के सारे निकल गए और एक्चुअल में जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग की हुई थी जस्ट वो बचे हुए हैं राइट। एंड प्राइस जो है अपसाइड गया ठीक है, और इस जगह पे जाके बॉस कर चुका राइट, पूरा पार्ट जो है बॉस कर चुका। और ये जो रिटेलर ट्रैप हुए थे उनको लिक्विडिटी बना के फ्यूल कलेक्ट किया, मतलब और फ्यूल भरा जिससे ये और ऊपर जा सके। अभी इसे और ऊपर जाना है तो पहले फ्यूल तो भरना पड़ेगा ना, तो रिटेलरों का फ्यूल भरा एंड अपसाइड गया ठीक है। और अभी मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हो चुका है और जिस तरीके से अभी बता रहा है कि नीचे कोई पीओआई नहीं है राइट, तो मार्केट में एक गैप अप आपको देखने को मिलेगा, ये याद रख लेना। मंडे को आपको गैप अप देखने को मिलेगा ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्योंकि कोई पीओआई है नहीं और लिक्विडिटी ग्रैप कर चुके हैं सारी चीज़ें। नाउ अपसाइड में जाएगा ठीक है।
आई होप आपको इंटरनल लिक्विडिटी किस तरीके से मार्क करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने कंटिन्यूसली आपको प्रीवियस जितने डेज थे सारी की सारी लिक्विडिटीज मार्क करके बताया, और लो से बाय करके हाई पे सेल करना मैंने आपको सिखाया, राइट। आई होप आप ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो, बस आपको इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैच देखने में और मैच प्ले करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। हम बोलते हैं वाह धोनी ने रन नहीं मारे, ठीक है, या विराट ने रन नहीं मारे, या इनके वजह से हम हार गए, ब्ला ब्ला ब्ला, बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, राइट, बट करना मुश्किल है ना। तो जितना वे में, जितना बेटर वे में जब आप करोगे उतना बेटर वे में आप इसको प्ले कर पाओगे, राइट। जस्ट आप इसे प्रैक्टिस करो, बिलीव में आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये गुरुस पे या ये बेफालतू के इंडिकेटर्स पे या शॉर्टकट लेना छोड़ दोगे, शॉर्टकट लेना इतना आसान होता वाकई में तो हर ट्रेडर जो है, हर जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो सारे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। हमें इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट को समझना पड़ेगा, लोग किस तरीके से ट्रैप करते हैं हम लोगों को, ठीक है। थोड़ा बात समझा करो यार कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, खुले आम सारी चीज़ें कर लेती है, तो क्या स्टॉक मार्केट में हमें इतना आसान है, राइट। समझो अंदर की बात समझो, ठीक है, कि खेल होते हैं अंदर, राइट, इंडियन मार्केट मैनिपुलेट होता है, चीज़ों को समझो। हम लोग डेली लॉस में ही रहते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप देखोगे 2022 का डेटा 99% ट्रेडर लॉस में, जीरो जाके सीईओ ने बोला है, ठीक है। क्यों बोला है? क्योंकि एक्चुअल नॉलेज देने वाला नहीं है कोई मार्केट में, लैक ऑफ नॉलेज है ना। तो आई होप आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हो, और आप इसको बेहतर वे में करोगे मेरी मेहनत जो है वो बर्बाद नहीं जाएगी, ठीक है। और इसके बदले जस्ट मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, वो है 1000 लाइक, ठीक है। जिस दिन 1000 लाइक हो जाएगी आपको एंट्री मॉड्यूल का लेक्चर मिल जाएगा, और उसके बाद हम जाएंगे हमारे एडवांस मतलब ICT वाले कंसेप्ट में, राइट। तो आई होप आप लोग रेडी हो, ठीक है। मुझे जस्ट कमेंट करके बता देना कि हम वेट कर रहे हैं, और अपनी राय देना, ठीक है, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मैं अपनी लर्निंग में और बेहतर तरीके से, ठीक है, इसको कर पाऊँगा, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं रियल नॉलेज दूँ, ना कि मैं आपको इंडिकेटर या बेफालतू की चीज़ें सिखाऊँ। एक्चुअल में जो चीज़ें वर्क करती है वही मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। सभी का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सभी को बाय।